वाह। अरे ये क्या भिड़े मास्टर, क्या हुआ? आज तुमने सुविचार नहीं लिखा। हाँ एक्चुअली आज क्या सुविचार लिखूं ना आती भाई, वो कुछ सूझ नहीं रहा है। ले अरे बोल ना भाई, मैं हूँ आतिफ भाई, यह छोटी है, हम में से कोई भी तुझे एक बढ़िया सा सुविचार दे देगा, है ना बराबर ना छोटी? ओ जेठाफ्रा, आइडिया तो टॉप क्लास का है, पर वो क्या है ना, मेनू थोड़ी देरी हो रही है और जल्दबाजी में ना कुछ अच्छा सुविचार सूझेगा भी नहीं। मैं निकलता हूँ यारो, तुसी आ रहे हो जेठाफ्रा? ना मुझे आज इतनी जल्दी नहीं है, मैं भिड़े को एक बढ़िया सा सुविचार देके फिर निकलता हूँ। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, सुविचार आ गया मन में। अच्छा क्या? वो मैं लिखता हूँ, आप पढ़ लेना। आतिफ्रा तुसी ना सुविचार की फोटो खींच के मेनू भेज देना, मैं आराम से पढ़ लूंगा। वो क्या है ना, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। चंगा जी, सत श्री अकाल। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ चल दिखा क्या लिख रहा है सुविचार। आइए आइए आतिफ भाई, चलो। बढ़िया आतिफ भाई, पेड़ लगाकर करे पर्यावरण की सुरक्षा, तभी होगी हमारे जीवन की रक्षा। वाह वाह भिड़े मास्टर, क्या सुविचार लिखा है। वो तो है, बच्चों के ऊपर से आइडिया है। बराबर चलो फिर मैं निकलूं, या और कोई मदद की जरूरत? नहीं तुम निकलो, यही मदद है। चलो 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 मैं भी चलता हूं। नताश आपको पूछता हूँ, अगर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो तो साथ में जाते हैं। चलो नताश आप तैयार? क्यों क्या हुआ, कहाँ जाना? आपको ऑफिस और मुझे दुकान। ओ मुझे लगा फिर से कोई मुसीबत में फंस गए, इसलिए सुलझाने के लिए मुझे बुलाने। अरे नहीं भाई नहीं, चुप चुप बोलिए भाई, ये तो दुकान जा रहा था, सोचा चलो साथ में निकलते, रास्ते में कुछ चटाकेदार खाते जाएंगे। अंजलि, अरे उनको क्यों बुला रहे? अंजलि को तो बोलना पड़ेगा ना कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मत बोलो, ऐसे ही निकल लो। जेठालाल तुम मेरा डिवोर्स करवाओगे? अरे क्या हो गया आज आपको मेहता साहब, चुप चुप बोलिए। हाँ तारा, अरे जेठा भाई गुड मॉर्निंग, आप कब आए? बस अब भी चले मेहता साहब। अंजलि मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे नाश्ता तो करके जाइए, आज मैंने आपके लिए मस्त नाश्ता बनाया है। मस्त? आप भी साथ साथ नाश्ता कर लीजिए। नहीं नहीं मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। मेहता साहब आप नाश्ता कीजिए, मैं निकलता हूँ। अरे रुको, अभी कह रहे हो साथ में चलते हैं, अभी कह रहे हो निकलता हूँ, नाश्ता करने में 10 मिनट लगेंगे। अजी तुम नाश्ता लगाओ। हाँ। अरे यार गलती हो गई, मैं आपको यहाँ बुलाने आया, आपने तो मुझे फंसा दिया। फंसा दिया और नहीं तो क्या। देखिये मेहता साहब आपके लिए जान हाजिर है, लेकिन अंजलि भाभी का डाइट नाश्ता। देख कुछ नहीं होगा, मैं रोज खाता हूँ। अरे आपको कहाँ से कुछ होगा, आपको तो अब क्या पड़ गया होगा ना। क्या पड़ गया होगा? आप रोज खाते हैं तो आपके पेट को तो ऐसा सब पचाने की आदत पड़ गई होगी। मैं नहीं खा सकता। हाँ तारक, अरे जेठा भाई कहाँ गए? बच निकला। क्या? मेरा मतलब है कि उसे दुकान का कुछ अर्जेंट काम याद आ गया इसलिए निकल गया। मुझे भी देर हो रही है, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे भूल गए, अभी तो आपने कहा कि नाश्ता लगा दो, चलिए नाश्ता करके जाइए। नाश्ता ही तो पीछा नहीं छोड़ता। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि तुम इतना अच्छा नाश्ता बनाती हो कि मैं थाली में एक कण भी नहीं छोड़ता। अच्छी तरह से पता है मुझे, ये डाइट फूड का नाम सुन के आपको चक्कर आ जाते हैं। फिर भी खिलाती तो हो ना। मेरे कहने का मतलब है तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, लेकिन आज नहीं। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही। ओके जाइए, आज बाहर ही नाश्ता कर लें। बाहर? तुम मुझे बाहर नाश्ता करने के लिए कह रही हो? हाँ वैसे तो आज मैंने नाश्ते में मसालेदार चाय और स्पेशल पनीर पराठे बनाए थे। क्या पनीर पराठा? लेकिन अगर आपको बाहर नाश्ता करना है तो नो प्रॉब्लम। नहीं मतलब इतनी भी देर नहीं हो रही है, नाश्ता करके जा सकता हूँ, पर वैसे भी पनीर पराठे को कौन छोड़ सकता है। एक मिनट रुक जा तारक, रुक जा, कुछ तो गड़बड़ है। आज अचानक अंजलि मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रही है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आंधी से पहले आने वाली शांति है स्वादिष्ट खाने की आड़ में कोई डाइटिंग का जाल तो नहीं बिछा के रखा है? तारक क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। तो खाइए ना। रुकिए मैं आज आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। हैं? तो आप गए तारक। आपका खेल खत्म। खाइए खाइए ना। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो तो है, बस समझ नहीं आ रहा कि आज ये इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है। तारक आपको ना हर बात पर शक करने की आदत है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं स्वादिष्ट खाने की आड़ में डाइट का जाल बिछा रही हूँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि आज ये मसालेदार खाना बनाया है तो मुझे अच्छा खाना खिला के तुम मुझे कोई वरदान तो नहीं मांगने वाली ना? तारक मैं कोई पौराणिक कथा की पात्र थोड़ी हूँ कि आपको खुश करके आपसे वरदान मांगूंगी। कि महाराज पनीर पराठे का आनंद लीजिए, हमें आपसे एक वरदान चाहिए। अरे इतने परेशान मत होइए, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात है। वही जानना चाहता हूँ कि वो छोटी सी बात क्या है। अब पहले आप मुझे बताइए कि कल क्या है। कल क्या है? कल होली है। होली? होली कहाँ से आई? तारक सवाल मैंने आपसे किया है, आप मुझसे मत कीजिए। नहीं मतलब मैं तो खुद से ही सवाल कर रहा हूँ कि कल क्या है। एनिवर्सरी तो नहीं है? नहीं अंजलि का बर्थडे, फिर क्या है बताइए। बाप रे क्या है कल? अगर जवाब नहीं दिया ना तो पराठे तो जाएंगे लेकिन साथ में अंजलि की डांट भी सुननी पड़ेगी। नहीं याद है ना? नहीं याद है, बस जुबान पे नहीं आ रहा है। तारक कल हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है। वही तो। आप भूल गए थे ना? नहीं तुम भूल गई थी, मैं तो बोलने वाला था उससे पहले तुमने बोल दिया। अंजलि आज ही के दिन मेरी जिंदगी में खुशियां इंसान का रूप लेकर आई थी। पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे बीत गए। वो तो है। ऐसा लगता है कि मानो कल ही मैंने तुम्हें देखा। वैसे एक बात कहूं अंजलि? कहिए। तुम पहले जितनी खूबसूरत थी ना आज भी उतनी ही खूबसूरत हो, इनफैक्ट तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। और सच कहूं तो आप और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। और आपको पता है ये सब किसकी वजह से है? मेरे डाइट फूड की वजह से। वो भी है। तारक मैं क्या कहती हूँ, कल इतना स्पेशल डे है तो आप कल ऑफिस से मेरे लिए एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं। क्या हुआ? इसलिए तुम हीरे जवाहरात मांग लो लेकिन छुट्टी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों क्या क्यों, तुम मेरे बॉस को नहीं जानती? छुट्टी का नाम सुन के वो खूंखार शेर बन जाता है। तारक कल हमारे लिए कितना स्पेशल डे है, हमारे प्यार की खातिर आप एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते? ऐसी बात नहीं अंजलि। तो कैसी बात है? नहीं मेरा मतलब है कि मुझे छुट्टी लेने का मन तो है लेकिन मेरा बॉस वो छुट्टी देगा नहीं। अच्छा लेकिन आप जेठा भाई के लिए तो छुट्टी ले लेते हैं ना, तब आपके बॉस आपको छुट्टी दे देते हैं? नहीं छुट्टी देते नहीं है, मैं झूठ बोल के बेवकूफ बना के छुट्टी ले लेता हूँ। हाँ तो एक बार मेरे लिए भी ऐसा कुछ कीजिए ना, मैं सिर्फ एक दिन की छुट्टी के लिए बोल रही हूँ। रहने दीजिए, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे अंजलि ऐसी बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा ना कि कल छुट्टी मिल जाए। अच्छा ठीक है मैं बॉस से कह दूंगा कि कल मुझे छुट्टी चाहिए। थैंक यू तारक, आई लव यू। चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। अंजलि को बोल तो दिया कि मैं छुट्टी ले लूंगा लेकिन बॉस वो मुझे छुट्टी देगा या नहीं पता नहीं, अगर उसने छुट्टी दे दी तो अच्छा है वरना अंजलि मेरी छुट्टी कर देगी।
कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। अजरब सब काम हो गया ना, कि कुछ बैलेंस है, नहीं तो छुट्टी लेता हूँ। हाँ ले लो छुट्टी। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, कुछ बैलेंस है तुम जाओ काम पे। हाँ ठीक। चलो अरे मेहता साहब गुड मॉर्निंग। मेहता साहब अरे हमने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मेहता साहब, आपको जेठालाल का बीमारी क्यों लग गया? क्या जेठालाल का बीमारी? हाँ टेंशन में रहने का बीमारी। वो क्या जेठालाल हमेशा टेंशन में रहता है ना, लेकिन आज आप क्यों टेंशन में हैं? अरे हमेशा की तरह जेठालाल ने अपने मुसीबत की टोकरी इनके सर पे दे दी होगी। नहीं भाई जेठालाल का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो दरअसल कल मेरी और अंजलि की पहली बार मिलने की एनिवर्सरी। अरे वाह कांग्रेचुलेशन। अरे मैरिज एनिवर्सरी नहीं बाबा, उन्होंने बोला पहली बार मिले थे। हैप्पी फर्स्ट मीटिंग एनिवर्सरी। हाँ थैंक यू थैंक यू। लेकिन इसमें टेंशन का क्या बात है? अंजलि ने कहा है कि छुट्टी ले लो। अब समझ नहीं आ रहा कि बॉस से छुट्टी कैसे मांगू। अरे मेहता साहब आप तो नौकरी पेशा आदमी है, तो आप बोल सकते ना बॉस को, वो होते ना आप में कैजुअल लीव सिक लीव कोई भी एक लीव डाल दो। अरे वो सब लीव तो जेठालाल के चक्कर में पहले ही खत्म हो गई। भैया तुम भी तो नौकरी पेशा आदमी हो, कोई आइडिया दो ना जिससे बॉस मुझे छुट्टी दे दे। अरे साहब ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं बहुत ऑनेस्ट एम्प्लॉय हूँ, मैं कभी झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेता हूँ। ए हो या नाइट हो, मैं कभी ऐसा काम के लिए झूठ नहीं बोल सकता। हाँ तो मैं झूठ बोलकर तुमको छुट्टी लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बहाना मांग रहा हूँ, छुट्टी मुझे चाहिए तुम्हें नहीं। नो 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 मैं तो ये रॉन्ग है, झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेना चाहिए, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। मतलब तुम मुझे बहाना नहीं दोगे? इल्ले भिड़े तुम तो कोई बहाना बता दो। मैं तो यू मिन टू से आज बार हम ऑनेस्ट नहीं है? ए, तुम दो मिनट चुप रहो ना। देखिए मेहता साहब मेरे पास बहाने तो है लेकिन आपके काम के नहीं है। क्यों? मेरे पास वो विद्यार्थी वाले बहाने होते हैं ना, जैसे पेट पे दर्द है, बुखार है, दादा दादी की शादी है। दादा दादी की शादी? हाँ वो विद्यार्थी छुट्टी के लिए कुछ भी लिखते हैं। नहीं नहीं ये बहाने मेरे काम नहीं आने वाले। हाँ तो अभी आप क्या करेंगे? अब क्या ऑफिस जाके सोचूंगा कुछ, अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बॉस का मूड आज अच्छा हो। I'm really fed up with the parking issues of this building. Good morning, sir. This is my last and final warning to you. If my morning is bad, you have no right to wish me good morning. You understand? Or Meena? Sir, Meena nahi, Tina. अरे तुम्हारा नाम मीना हो टीना हो रीना हो मुझे क्या लेना लेना, तुमको यहाँ पर मैंने काम के लिए रखा है, नाम के लिए नहीं रखा है। सर चाय लेंगे? मैं चाय नहीं पीता। सर कॉफी? कॉफी मैं पी कर आया हूँ। सर ग्रीन टी लेता हूँ। येलो टी है क्या? नो सर। पर्पल टी? नो सर। ब्लू टी? नो सर। देन व्हाई ग्रीन टी? व्हाई ग्रीन टी? कम टू द कॉन्फ्रेंस। क्या हो गया बॉस को, इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? क्या पता, हमारे बॉस गुस्सा करने के लिए किसी कारण के मोहताज थोड़ी है, वो तो बिना मतलब किसी पे भी गुस्सा हो सकते हैं। दो सर वाले बॉस है ना, कभी किसी पे गुस्सा कर दे, कभी किसी पे प्यार आ जाए, क्या पता। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सुनो क्या नाम है तुम्हारा अपना, ये टीना हो मीना जो भी है वट एवर, एक काम करो उसको बुला के लिए क्या आओ। किसको सर? अरे उसको जो वो जो चाय कटकटिया कटकटिया को लेकर आओ बुला के। और आप लोग दिखाओ क्या पीपीटी बनाया आपने मॉडर्न इंडस्ट्री का। हाँ ओके ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रखो देखता हूँ। रखो रखो देखो देखो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ बैठू सर? यहाँ क्यों, मेरी चेयर पे बैठो यार। नहीं नहीं बैठो बैठो भाई, तुम लोग मालिक हो बैठो। नहीं नहीं सर। तो बैठो ना, पूछता क्यों, बैठो बैठो बैठो। हाँ बैठो भाई, तुमको बोला तुम भी बैठो यार, सर पे खड़ा रहेगा। अरे देखता हूँ, बोला ना देखता हूँ यार, अभी बात तो कर लू इससे, एक काम एक टाइम में करूंगा ना। हाँ भाई बोलो क्या काम है।
कुछ नहीं सर। काम नहीं है? तू मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आया? नहीं। तो फिर अपना काम करो ना जाके। ये कोई गार्डन है? ये घूमते फूरते ऐसे चले आओगे तुम? बॉस को देखकर लगता नहीं है कि वो छुट्टी देंगे। दरअसल मैं आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेने आया हूँ। जब आपको देखता हूँ ना तो डबल मेहनत करने का मन करता है। रियली? बस का लगाना बंद करो, मेहनत करनी है तो जाके काम करो। करनी है ना मेहनत, जाओ काम करो। मेरे को मक्खन लगा। हेलो सर। अच्छा वो कल तुम कह रहे थे कि तुमको मुझसे कुछ काम है, बोलो क्या काम? नहीं सर, कुछ काम नहीं। काम नहीं है? Then why am I coming? नहीं सर, इसे काम तो है। काम है वही तो पूछ रहा हूँ, काम है तो then why am I coming? कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? मुंह के अलावा किसी और जगह से बोलते हो तो वहां से ट्राई कर लो, और अगर इशारेबाजी करोगे तो वो तो मेरी समझ में नहीं आएगा भाई। अपने मुंह से बता दो, सर समझ जाएंगे, सर बहुत समझदार हैं। बताओ बताओ। सर आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन, अभी काम बोलो क्या है। सर काम ये कि मुझे आज आधे दिन की छुट्टी चाहिए। ओके। तो मतलब तुम्हें आज आधे दिन की छुट्टी चाहिए? जी ले लो। सर अब छुट्टी? हाँ आपने आधे दिन की छुट्टी? हाँ ले लो जाओ। रियली? आपने आधे दिन की छुट्टी? हाँ भाई छुट्टी ले लो, जाओ एंजॉय करो, जाओ। आपने छुट्टी दे दी? अरे यार मैं ते छुट्टी उसको चाहिए, छुट्टी मैंने उसको दे दी, तुम क्यों खुश हो रहे हो यार बार बार। ठीक है भाई मेहुल, तुम छुट्टी ले लो। थैंक यू सर। मैंने कहा था ना कि सर समझदार है, सर ने छुट्टी दे दी। लेकिन एक शर्त है मेरी, मुझे पहले अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। अरे बाप रे, मैं पहली मुलाकात का सर्टिफिकेट कहां से लाऊंगा? सर मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाऊं तो आप मुझे छुट्टी दे दोगे? हाँ दे दूंगा छुट्टी, तुमको छुट्टी दे दूंगा, ये दिखाएगा सर्टिफिकेट, इसको भी दे दूंगा, चलो छुट्टी ले लो। यहाँ पर सब काम मैं करूंगा, ये लैपटॉप पे पीपीटी मैं बनाऊंगा, ये टेबल मैं साफ करूंगा, यार झाड़ू कटका मैं लगाऊंगा, ये आए ना ये पानी और चाय पिलाने, ये सब मैं करूंगा। तुम छुट्टी ले लो, जाओ। सच में अब सबको छुट्टी दे रहे? यार तुम कैसा आदमी है मैटे। अरे मैं तंज मार रहा हूं, बजाय इसके तुम अपने काम को लो सीरियसली, मेरे मजाक को ले रहे हो सीरियसली। अब बोलो ये छुट्टी? नहीं। तुमको मेहुल? नहीं। और तुमको बीना टीना जो भी है तुमको चाहिए? नो सर, नहीं चाहिए। और तुमको? नहीं सर, मुझे आज क्या, मुझे कभी छुट्टी नहीं चाहिए सर, मैं तो आपके लिए ओवर टाइम करने को भी तैयार हूँ। वाह 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 वाह, सीखो कितना जूनियर आदमी है, कितना मेहनत से काम करता है। अरे तुम लोगों को अक्ल नहीं, इस महीने कंपनी को कितना लॉस हुआ है, बजाय इसके कि उस लॉस को एनालिसिस करो, सोचो भी क्या करना है आगे क्या नहीं करना, तुमको छुट्टी चाहिए। वाह भाई वाह, खबरदार किसी ने छुट्टी की बात भी की तो जाओ, सब लोग अपना अपना काम करो, जाओ। तुम कहाँ जा रही हो, क्या नाम है तुम्हारा? मीना में क्या टी जो भी है, तुम रुको इधर ही। अटक गया, लटक गया, ना इधर का ना उधर का। एक तरफ अंजलि ने मुझसे कहा है कि कल मुझे छुट्टी लेनी पड़े, और दूसरी तरफ बॉस ने छुट्टी देने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। दुनिया में दो चीजें होती है जो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, एक बीवी को ना कहना और दूसरा बॉस से छुट्टी के लिए हाँ करवाना, और दोनों मुश्किलें एक साथ मेरे सर पर आ गई है। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, क्या करूं मेरे भाई। मैं अक्सर लोगों की मदद करता हूं, लेकिन इस बार इस मुसीबत से मुझे निकालने में मेरी मदद कौन करेगा? क्या मुझे अंजलि को ना कहकर उसका दिल तोड़ना पड़ेगा, या फिर बॉस छुट्टी के लिए मान जाएगा? भाई जो भी होगा हंगामा और ठाकों से भरपूर होगा, तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए।
हमारे लिए कितना स्पेशल डे है। हमारे प्यार की खातिर आप एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते। समझ में नहीं आता कि ऐसी हालत में कल के लिए छुट्टी कैसे मांगूं। बॉस के पास छुट्टी मांगने गया तो वो मेरी छुट्टी कर देगा, और अगर छुट्टी नहीं ली तो अंजलि मुझे नहीं छोड़ेगी। इधर कुआं उधर खाई, आज मेरी हालत ना बिल्कुल जेठालाल जैसी हो गई। एक काम करता हूँ, जेठालाल से पूछता हूँ, क्या पता उससे कोई आइडिया मिल जाए। जेठालाल का फोन बंद क्यों है? अरे सेठ जी, आप अभी तक दुकान में ही हैं? आपने मुझे बोला था परचेस और सेल्स का फाइल तैयार रखना, मैं तो राह देखते देखते थक गया, आप आए ही नहीं। अरे पर ये भागा मेरा मोबाइल रिपेयर करके दे तो आओ ना। क्या हो गया आपके फोन को? पता नहीं अचानक शाव धबड़क हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। ये लीजिए सेठ जी, चालू हो गया। ले वाह, क्या हो गया था इसको? पता नहीं। तो चालू कैसे हो गया? अपने आप। मतलब मैंने तो फोन खाली साफ किया, बैटरी डाल के उसे स्विच ऑन किया तो चालू हो गया। बोलो सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि जीवन में समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन कभी कभी उसका हल एकदम आसान होता है। लेकिन हम उस बड़ी समस्या को लेके इतने चिंतित होते हैं कि आसान हल हमारे सामने होता है लेकिन हमें सूझता ही नहीं। बोलो। वाह बागा वाह, आई थिंक यू शुड स्टार्ट स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस। मतलब? मैं कह रहा हूँ कि बागा को आध्यात्मिक प्रवचन शुरू करना चाहिए। एक दो सुलझे हुए वाक्य बोला उसमें आध्यात्मिक प्रवचन? नहीं 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 नटू काका, आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए तो बहुत सारा ज्ञान चाहिए। वो भी आध्यात्मिक ज्ञान बेटा। और नटू काका, ये आध्यात्मिक प्रवचन करने निकल पड़ेगा तो फिर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में कस्टमरों को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ज्ञान कौन देगा? आई थिंक यू आर राइट सेठ जी, चलो चले। कहाँ? अरे गोडाउन में। और कहाँ? अरे हाँ हाँ, चलो चलो आते। जी जी। आइए साहब। अरे नहीं चाहिए भाई, जब चाहिए तब एक रिक्शा नहीं मिलती है, और नहीं चाहिए तब आइए साहब। क्या हुआ सेठ जी, अकेले अकेले किससे बात कर रहे हैं? और नहीं नहीं कुछ नहीं, चलिए। हाँ चलो चलो। मेहता साहब का फोन? बोलिए बोलिए मेहता साहब। मैं कब से जेठालाल को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा। हाँ वो उनका फोन मैं रिपेयर कर रहा था इसलिए बंद था। बताइए कुछ अर्जेंट था? हाँ। ओ तो मेहता साहब, सेठ जी अब भी गोडाउन में गए हैं, आप उनको ट्राई कीजिए, अब उनका फोन लग जाएगा। ठीक है। एक मिनट बाग, जेठालाल से ज्यादा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ले, आपको मेरी मदद की क्या जरूरत आन पड़ी मेहता साहब? ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ जिसमें से सिर्फ तुम मुझे निकाल सकते हो। अरे वाह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे सेठ जी के फायर ब्रिगेड का फायर ब्रिगेड बनो। बताइए क्या मदद चाहिए? दरअसल क्या है ना कि कल मुझे बॉस से छुट्टी चाहिए। आपको छुट्टी चाहिए, उसमें आपको मेरे सेठ जी की परमिशन लेने की क्या जरूरत है? उसके लिए आपको आपके सेठ जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे भाई, मैंने परमिशन के लिए फोन नहीं किया है। तो बात ये है कि कल मुझे बॉस से छुट्टी चाहिए, और बॉस का मूड बहुत खराब है, तो मैं बॉस के पास छुट्टी मांगने नहीं जा सकता, और अगर मैंने छुट्टी नहीं ली तो अंजलि मुझे छोड़ेगी नहीं। अब मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा समझ गया, तो आपको कोई ऐसा बहाना चाहिए जिससे आपको छुट्टी भी आसानी से मिल जाए और आपके बॉस आप पर गुस्सा भी ना करे। बराबर बराबर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मेहता साहब, आपने ऐसा क्यों कहा कि इस काम में सेठ जी से ज्यादा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्योंकि जेठालाल सेठ है, और सेठ को छुट्टी के लिए बहाना नहीं बनाना पड़ता। तुम कर्मचारी हो, अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए होगी तो तुम अपने सेठ से झूठ बोलोगे, कोई बहाना बनाओगे। अब जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें छुट्टी लेनी होगी
तो तुम जेठालाल से कौन सा झूठ बोलोगे, कौन सा बहाना बना के छुट्टी लोगे, बताओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया मेहता साहब ने। अगर मैंने उन्हें कोई आइडिया दिया और उन्होंने सेठ जी को बता दिया तो। हेलो हेलो, हाँ 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 मेहता साहब, सॉरी हाँ, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, मैं कभी ऐसे झूठे बहाने बनाकर सेठ जी से छुट्टी नहीं लेता हूँ। ठीक है, बाय। लगता है बागा डर गया, उसे लग रहा होगा कि कहीं मैं ये बात जेठालाल को ना बता दूं। बोलिए मेहता साहब। बागा, लगता है कि तुम डर गए। देखो, तुम्हारे मेरे बीच की बात या तुम्हारी दी हुई सलाह मैं हमारे बीच में ही रखूंगा, मैं जेठालाल को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? हाँ हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस। तुम मुझे सलाह दो और मैं तुम्हें फंसा दूं। इतना बेगैरत इंसान नहीं हूँ, अब जल्दी से बताओ आइडिया क्या है। ठीक है मेहता साहब, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं हर टाइम ऐसे झूठे बहाने बनाकर छुट्टी लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम आइडिया बताओ। कभी कभी अगर कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कोई अर्जेंसी आ गई तो ही ऐसे बहाने बनाता हूँ, आप समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहा हूँ, तुम आइडिया बताओ ना। ठीक है, तो सिंपल, कल आप बीमार पड़ जाइए। अरे नहीं यार, ये बीमार होने का आइडिया नहीं चलेगा, बॉस तुरंत पकड़ लेगा। अच्छा, तो पिक्चर की टिकट, ये बावरी जी ने पिक्चर की टिकट क्यों भेजी है? आज अगर आप पिक्चर देखने नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे पिक्चर देखने के लिए सेठ जी से छुट्टी मांगनी पड़ेगी, पर अगर पिक्चर देखने नहीं गया तो बावरी जी नाराज हो जाएंगे, क्या करूं? आइडिया। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? हंस नहीं रहा हूँ सेठ जी, रो रहा हूँ। क्या हुआ बावरी जी? क्या क्या किया बावरी ने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके साथ बुरा हुआ है। क्या मतलब? बुखार है, बुखार बुखार, बीमार है वो। कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन फोन उठा ही नहीं रहे हैं। एक तो यहाँ अकेले रहते हैं, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, तो मतलब फोन नहीं लग रहा है उसका? नहीं ना। तो तुझे पता कैसे चला उसे बुखार आ रहा है? कल शाम से आ रहा है सेठ जी, मैंने उनसे कहा कि चलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बागेश्वर जी, मामूली बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। नहीं नहीं, तू एक काम कर, तू फटाफट उसका घर जा और उसे डॉक्टर के पास ले जा। जा, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू, मैं हो सके उतना जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आज तो पूरा दिन बावरी के साथ रहे, उसका ध्यान रख। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू, भगवान करे आपको कभी बुखार ना आए। तू जा अभी, जल्दी जा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हाँ, आप बॉस से ये कह दीजिए कि कल आपको अंजलि भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, अंजलि के बीमार होने का बहाना नहीं बना सकता, इसके पहले भी ये बहाना बहुत बार बना चुका हूँ। बीमारी के अलावा और कोई बहाना बता। और कुछ तो भी? सॉरी सेठ जी, लेकिन मुझे आज छुट्टी मिल सकती है? क्यों, बावरी के साथ पिक्चर देखने जाना है? नहीं नहीं, उनके घर में पानी भर गया है। क्या, तो क्या नल खुला छोड़ दिया था? नहीं नहीं, वो किसी पाइप से लीकेज हो रहा है। लीकेज हो रहा है कि पाइप फट गया है? लीकेज तो टिप्पा टिप्पा होता है, उससे घर में पानी नहीं भरता है। घर में पानी भर गया मतलब पाइप फट गया होगा। हाँ शायद। शायद मतलब, ये बावरी ने बताया नहीं? नहीं बताया ना, लेकिन रोते रोते बताया, तो एग्जैक्टली क्या बताया वो मैं समझ नहीं पाया, सिर्फ इतना समझ में आया कि घर में बहुत पानी भर गया है। अरे तो तू खड़ा क्या, जा जल्दी, पानी बचा, जल है तो कल है।
जल है तो कल है नहीं सेठ जी, जल है तो जीवन है। हाँ वो जो भी है तू जा जल्दी। थैंक यू सेठ जी। लीकेज, आप कल बॉस से कह दीजिए कि घर में बहुत लीकेज हो रहा है तो उसका रिपेयरिंग करवाना है। अरे नहीं, इसके लिए बॉस पूरे दिन की छुट्टी थोड़ी ना देगा। वो तो कह देगा कि रिपेयरिंग का काम है, ये प्लम्बर कर देगा। उसके लिए तुम्हें घर पे बैठने की क्या जरूरत है, तुम ऑफिस आओ और अपना काम करो। ये क्या कर सकते हैं मेहता साहब। आइडिया, एक काम कीजिए मेहता साहब, आप अभी बॉस को कुछ बताइए ही मत। कल सुबह ऑफिस निकलने से पहले आप बॉस को फोन करके बता देना कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो सॉरी बॉस मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। हाँ? नहीं, 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 नहीं। लेकिन अगर बॉस ने कहा कि फोटो भेजो तो? आइडिया, इंटरनेट पे से डाउनलोड करके एक आध फोटो भेज देना। क्या है आजकल बारिश और तूफान में बहुत सारे पेड़ गिरते ही रहते हैं मेहता साहब। हाँ ये आइडिया अच्छा है। हाँ। नहीं, 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 इसमें तो ज्यादा गड़बड़ है। क्या पिछली बार की तरह अगर बॉस मेरे सोसाइटी आ गए तो? यान, तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। वही तो, अब और क्या बहाना बना सकते हैं? और कोई ऑप्शन है? एक आइडिया है मेहता साहब, जो मैंने अभी हाल ही में इस्तेमाल किया था। ये ऐसा रामबाण आइडिया है मेहता साहब, जिसे सुनने के बाद दुनिया का कोई भी सेठ, दुनिया का कोई भी बॉस अपने कर्मचारी को छुट्टी देने से मना कर ही नहीं सकता। क्या है, जल्दी बताओ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले की बात है। बावरी जी, आप दुकान में सुबह सुबह? आपको सरप्राइज देने। बावरी जी प्लीज, आप ऐसे दुकान में आके सरप्राइज मत दीजिए। सेठ जी अभी आते ही होंगे, उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो हम दोनों को बहुत शॉक देंगे। ठीक है ठीक है। वैसे नट्टू काका कहाँ है? वो बैंक में गए हैं। आप जल्दी बताइए ना, आप यहाँ दुकान में क्यों आई हैं? वो दरअसल मम्मी पापा ने आज कानपुर से आके हमें सरप्राइज दी। अच्छा। उन्होंने हमारे लिए सत्यनारायण की कथा रखी है, तो प्लीज आज के दिन की आप छुट्टी ले लीजिए ना। अरे नहीं 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 बावरी जी, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मगर आप नहीं आए तो मेरा और हमारे परिवार का दिल टूट जाएगा। लेकिन बावरी जी, मैं अगर सेठ जी से छुट्टी मांगूंगा तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, वो मैं कुछ नहीं जानती, अब कैसे भी करके छुट्टी लीजिए। सॉरी बेटा, तू यहाँ, तुझे मना किया है ना यहाँ काम के टाइम पे आने से। वो आज हमारे घर पे सत्यनारायण की कथा है, तो मैं बागेश्वर जी को बोलने आई थी कि आज के दिन के लिए छुट्टी ले ले। बेटा तू चाहे तो हमारी जान मांग ले, पर छुट्टी मांगने को मत कह। और तू अभी जल्दी से वापस चली जा, सेठ जी किसी भी वक्त आ सकते हैं। हाँ, बागेश्वर जी आपको कसम है हमारे प्यार की, आज आपको छुट्टी लेके आना ही होगा। बावरी जी, प्यार की कसम क्यों दी? सॉरी नट्टू काका, लेकिन अब तो मुझे सेठ जी से झूठ मूठ का बहाना बनाकर आज छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। प्यार और जंग में सब जायज है। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय। आइए मीठालाल जी। अरे जेठालाल। सॉरी मीठालाल जी। अरे जेठालाल। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सुबह सुबह तू यहाँ क्या करने आई थी? मोबाइल रिपेयर करवाने। किसका? उनका, खुद का। हुआ? हाँ, हो गया, हो गया। ओके, बाय। सेठ जी, हो गई पूजा? क्यों प्रसाद बांटना है? सत्यनारायण की कथा का? नहीं नहीं, नथी कवर पड़ी। सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। वो मुझे आज छुट्टी मिल सकती है?
क्यों? पी 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 बावरी के साथ पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी? नहीं नहीं सेठ जी, पी 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 नहीं, सी 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 नहीं, सी 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 मतलब कोर्ट 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 कोर्ट। हाँ न्यायालय, वहाँ नहीं जज होते हैं, वकील होते हैं। अरे वो पता है मुझे नट्टू काका, क्या आप भी अचानक तुझे कोर्ट क्यों जाना है? किसी ने तुझ पे केस किया है? नहीं, मुझ पे किसी ने केस नहीं किया है, मेरे एक दोस्त पे किसी ने केस किया है। किस बात का? ओ, अरे तेरे दोस्त पे किसी ने किस बात का केस किया है? मारामारी का। मारामारी का? वो नहीं होता है डिशुम डिशुम डिशुम। अरे जब तू काका मारामारी तो पता है, डिशुम डिशुम क्या कर रहे हैं आप? तेरा दोस्त मारामारी कर रहा था? मतलब नहीं, मतलब मेरा दोस्त निर्दोष है। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं उस वारदात का आई विटनेस हूँ। विटनेस? कमजोरी? नहीं नहीं सेठ जी, वो नहीं होता है, कोर्ट में पेश करते हैं चश्मदीद गवाह। दरअसल क्या हुआ सेठ जी, मेरे दोस्त पे बेचारे पे गलत इल्जाम लगा दिया। मेरे दोस्त ने मारामारी शुरू नहीं की थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो तो बेचारा साइड पे चुपचाप खड़ा था, लेकिन वो सामने वाला ने आके अचानक उसके साथ मारामारी शुरू कर दी। अरे ऐसा थोड़ी कोई खड़ा और आके कोई मारामारी शुरू कर दे, तेरे दोस्त ने जरूर कुछ किया होगा। नहीं नहीं सेठ जी, मेरे दोस्त ने कुछ नहीं किया, मतलब उसको बेचारे को थोड़ी आंख में तकलीफ है, उसकी आंख ऐसे 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 होती रहती है, तो वो सामने वाले को लगा कि मेरा दोस्त उसकी वाइफ को देख के आंख मार रहा है, तो आके सीधा मेरे दोस्त को मारने लगा। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि भाई आपको गलत फहमी हो रही है, मेरे दोस्त की आंख ऐसे 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 फ्लिकर हो रही है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था, मेरे दोस्त को मारे ही जा रहा था, मारे ही जा रहा था। इसलिए मेरा कोर्ट में आई विटनेस बन के जाना बहुत जरूरी है, ये बताने के लिए कि मेरे दोस्त की आई में वीकनेस है। जा जा जा, जाए ना। हाँ, थैंक यू। सॉरी, थैंक यू, जा रहा हूं मैं। तो क्या दरवाजे तक छोड़ने आऊं? समझे मेहता साहब, आप कोर्ट का बहाना बनाइए, इससे आपका काम पक्का हो ही जाएगा। वाह 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 बागा, कितना बढ़िया आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू। अच्छा मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं बॉस के कैबिन में जाता हूँ और तुम वकील बनके मुझे फोन करो। नहीं मेहता साहब, अभी मत जाइए, अभी मत जाइए। क्यों, क्या हुआ? साहब बड़े सयाने कह के गए हैं ना, हमें हमेशा मौके पे चौका मारना चाहिए, और अगर मौका अच्छा ना हो तो सबसे पहले मौके का इंतजार करना चाहिए, फिर मौका देखते ही चौका मारना चाहिए। मौका चौका लगा के रखा है साहब, साहब बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? मेहता साहब आपने मुझे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आज आपके बॉस का मूड ठीक नहीं है, बहुत गुस्से में है। हाँ। तो शाम तक इंतजार कीजिए, चुपचाप अपना काम कीजिए, शाम को बॉस का मूड ठीक होते ही आप उन्हें ये बहाना बोल दीजिएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल बराबर है। मैं अभी बॉस के पास नहीं जाता, जब बॉस का मूड ठीक हो जाएगा मैं तब जाके उनसे बात करूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बागा। वेलकम मेहता साहब। और हाँ, याद रहे हाँ, आपने प्रॉमिस किया है कि आप सेठ जी को कुछ बताएंगे नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये हम दोनों के बीच की बात है, मैं जेठालाल को कुछ नहीं बताऊं। थैंक यू एंड यस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बेचारे मेहता साहब को छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। वाह 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 वाह, बागा का आइडिया सुन के मन प्रफुल्लित हो गया, और वैसे भी ये आइडिया का ही तो जमाना है, एक अच्छा आइडिया स्टार्टअप की जिंदगी बदल सकता है। खैर मुझे तो एक छुट्टी चाहिए, और बागा का आइडिया सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बॉस मुझे छुट्टी दे देगा। क्या है ना, एक नौकरी पेशा आदमी दूसरे नौकरी पेशा आदमी का दुख दर्द समझ सकता है और उसे उस तकलीफ से बाहर निकाल सकता है, लेकिन
मेरा बॉस बाबूलाल दो सर वाला बॉस है, कब प्यार से बात करेगा कब गुस्से से बात करेगा कह नहीं सकते। और आज तो उसका मूड भी बहुत खराब है, तो क्या बागा का आइडिया काम आएगा? क्या मुझे छुट्टी मिलेगी? इस बीच एक और टेंशन है, अगर जेठालाल को पता चल गया कि बागा मेरी मदद कर रहा है तो बागा की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। पता नहीं मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अंजलि को दिया हुआ वादा मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जो भी होगा हंगामे और ठाकों से भरपूर होगा। देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। अब तक तो काफी वक्त बीत गया है, बॉस का मूड अब तक ठीक हो ही गया, तक छुट्टी की बात की भी नहीं और अंजलि का फोन आ गया। हाँ अंजलि बोलो। तारक आपने छुट्टी ली कि नहीं? अंजलि अब तक छुट्टी की बात नहीं हो पाई है, बॉस का मूड ठीक नहीं। तारक आपको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। देखिए मैंने कल के लिए बहुत प्लानिंग की है, आप प्लीज मेरा दिल मत तोड़िए। अंजलि कोशिश कर रहा हूँ ना, पर तुम प्रेशर क्यों डाल रहे हो? आपको प्रेशर लेना पड़ेगा तभी छुट्टी मिलेगी। ठीक है मैं अभी शेर की गुफा, मेरा मतलब है कि बॉस के कैबिन में जाता हूँ, तब तक तुम भगवान से प्रार्थना करोगे मुझे छुट्टी मिल जाए। मिल जाएगी, ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनिए, अगर आपको छुट्टी मिली तो कल से एक महीने तक आपका पसंदीदा खाना, नहीं तो कल से करेले और लौकी का डाइट शुरू। अरे नहीं नहीं मैं छुट्टी लेकर आता हूँ, बाय। फटाफट जाके बॉस से परमिशन ले लेता हूँ, नहीं पहले पता कर लेता हूँ कि बॉस का मूड कैसा है। बोलिए सर। बॉस का मूड कैसा है? अरे सर यहाँ देखिए काशीराम यहाँ है। बॉस का मूड कैसा है? क्या सर मैं यहाँ चाय कॉफी देने के लिए हूँ या बॉस के मूड का अपडेट देने के लिए? यार बताओ ना प्लीज। क्यों सर छुट्टी चाहिए? सर तुमसे जितना पूछा होता ना उतना ही जवाब दिया करो। वैसे तो सर बॉस का मूड अच्छा है, लेकिन आपको तो पता है अपने बॉस दो सर वाले हैं, कब गुस्सा हो जाए कह नहीं सकते। ठीक है जाओ। और कुछ? अरे नहीं भाई जाओ ना। ठीक है सर। बागा को फोन करके बोल देता हूँ कि बॉस के कैबिन में जा रहा हूँ, तुरंत मुझे कॉल करें। एक मिनट। हाँ बोलिए। बागा मैं बॉस के कैबिन में जा रहा हूँ, दो मिनट बाद मुझे वकील बनके फोन करना, समझ गए? बाय। क्या कर रहा है तू? कस्टमर को खड़ा रख के फोन पर बात कर रहा है? सॉरी सेठ जी वो जरा अर्जेंट कॉल था इसलिए उठाना पड़ा। किसका? बाहुरी का? नहीं नहीं। तो वो मेरे पड़ोसी का फोन था, वो क्या है आज गांव से मेरा एक पार्सल आने वाला था, तो मैं बोल के आया था कि पार्सल आए तो जरा ले लेना, तो बस वही बताने के लिए उन्होंने फोन किया था कि पार्सल ले लिया है। जा जल्दी हो, कस्टमर अकेला पड़ गया, जा जल्दी जा। जी जी सेठ जी। हे भगवान अब क्या करूं, वहां मेहता साहब अपने बॉस के पास जाएंगे और मैं फोन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मेहता साहब। अरे बोलो ना क्यों आए हो, कुछ काम था क्या? नहीं सर कुछ नहीं। तो फिर क्या कॉन्फ्रेंस रूम में खाली घूमने के लिए आए हो? नहीं मैं तो बस आपसे ये पूछने आया था कि How are you feeling, sir? Feeling? अरे मैं ऑफिस में हूँ या हॉस्पिटल में हूँ? बाका फोन क्यों नहीं कर रहा है? अरे बताओ ना क्यों आए हो, कुछ काम था क्या? नहीं सर दरअसल मैं आपको ये बोलने आया था कि आपने कहा ना कि हमारी कंपनी को इस महीने लॉस हुआ है, तो बस हम लोग डबल मेहनत करके आपको डबल प्रॉफिट कमा के देंगे। गुड 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 गुड, यही बोलने आए ना। वेरी गुड। और कुछ? ये बागा फोन क्यों नहीं कर रहा है? ये लीजिए सर डिलीवरी कल शाम तक हो जाएगी, थैंक यू फॉर विजिटिंग एडा इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर से पधारिएगा।
ओके। सेठ जी, आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं भाई, नहीं। नहीं? तो मैं चाय पी के आऊं? वो पता नहीं, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। मतलब चाय पिएगा तो एडिसिटी हो जाएगी भाई, सर दर्द और बढ़ जाएगा। तो क्या पीने जाऊं? सर दर्द की गोली पी? नहीं नहीं सेठ जी, दवाई तो हो सके उतना मैं अवॉइड ही करता हूँ। अच्छा, तो क्या पिएगा? तो चाय पीने दीजिए ना। हाँ तो पी भाई, पी जी। और कुछ? कुछ नहीं बॉस, मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। रह तो नहीं गया? देखो भाई, आदमी दुनिया में खाली हाथ आया, तुम भी यहाँ पर खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारा था क्या था, यहाँ से लेकर जाओगे? जाओ निकलो, काम करो। ओके सर, ओके जा। ओके ओके ओके, जा काम करो। अरे जल्दी फोन करो बाघा। ओके सर। हाँ निकलो, एक काम करो, इसको बाहर तक छोड़ के आओ। जाओ जाओ। हेलो। हाँ मेहता साहब, सॉरी सॉरी, वो कस्टमर था इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर सका, और सेठ जी के सामने फोन करना तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा, कब? ओह नो। हाँ, और अभी चाय का बहाना बनाकर दुकान से बाहर आया हूँ, और चाय की टपरी वाले के यहाँ से आपको फोन कर रहा हूँ। लेकिन एडवोकेट साहब, कल तो मैं कोर्ट किसी भी हालत में नहीं आ पाऊंगा। चालू रखिए नाटक, चालू रखिए मेहता साहब, छुट्टी मिलना कंफर्म है। आप समझने की कोशिश कीजिए एडवोकेट साहब, कल मैं नहीं आ पाऊंगा। जमीन 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 का बहाना निकालिए, बोलिए आज से जमीन चली जाएगी। जमीन जाती है तो जाए। चलिए मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। एक मिनट, इधर आओ, बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, एडवोकेट साहब का फोन था, वो कह रहे थे कि कल मुझे पूना आना पड़ेगा कोर्ट में हाजिरी देने। क्या? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन्हें मना कर दिया। पर मैं समझा नहीं, पूना जाना पड़ेगा पर कोर्ट में क्यों जाना पड़ेगा? कोर्ट में काहेगी हाजिरी है भाई? वो हमारे पूर्वजों की जमीन का मैटर है सर, अगर मैं कोर्ट में नहीं गया तो जमीन हाथ से चली जाएगी सर। कितने की जमीन है? जमीन कीमती नहीं है, उनकी यादें हैं, उनका आशीर्वाद है, और पूना आने जाने में तो पूरा दिन लग जाएगा सर, इसलिए मैंने एडवोकेट साहब को मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जाऊंगा सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं जाओगे? अरे जमीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर तुम पूना नहीं जाओगे तो तुम्हारा जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। क्या कर सकते हैं बॉस, नहीं होगी जमीन नसीब में, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अरे ऐसा मत सोचो मैटे, कल तुम पूना जाओगे और मेरी गाड़ी में जाओगे, मेरा ड्राइवर तुमको लेके जाएगा। क्या? हाँ देखो, गाड़ी मेरी, ड्राइवर मेरा, पेट्रोल मेरा, ठीक है? क्या हुआ? अरे भाई गाड़ी दे रहा हूँ, पेट्रोल दे रहा हूँ, इतना शौक क्यों होगा तुम? कुछ नहीं सर, आप कभी किसी को छुट्टी नहीं देते, आप मुझे अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, अपना पेट्रोल दे रहे, तो I could not digest it, सर। क्या है, मैं ते बेसिकली मैं अच्छा आदमी हूँ, और मुझे पता है कि बेसिकली तू भी अच्छा आदमी है, और बेसिकली तुम भी अच्छे हो, डोंट तू कभी झूठ नहीं बोलता मेरे से, आई नो इट, एंड यू आर माय फेवरेट, ओके? जा जा, लेके जाओ मेरा गाड़ी, ड्राइवर सब लेके जाओ। नहीं नहीं सर, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता, आपका गाड़ी और ड्राइवर नहीं लेके जाऊंगा सर। तो ठीक है भाई, मत लेके जाओ गाड़ी, ड्राइवर मत लेके जाओ, लेकिन पूना जरूर जाओ, ठीक है? पूना जाके आओ। थैंक यू सर। अभी मैं निकलूं? निकलूं मतलब अभी निकल रहे हो पूना के लिए? नहीं नहीं सर, अब तो मैं कैबिन जाऊंगा,
चिखाना, डबल मेहनत करके कंपनी को डबल प्रॉफिट कमा के दूंगा। ओके निकलो निकलो निकलो, क्या तुम्हारा फोन लेके जाओ। देखो ही इज निकलिंग। यस यस, मिल गई छुट्टी। एक काम करता हूँ, बागा को फोन करके ना खुशखबरी दे देता हूँ। फिर से पधारिएगा। क्या सरदर्द? तेरे सर में सरदर्द हो रहा था ना? सेठ जी, सरदर्द तो सर में ही होता है ना? हाँ, पर सरदर्द की वजह से तू चाय पीने गया था ना? तो चाय पीने से कम हुआ सरदर्द? कम क्या, गायब ही हो गया। सरदर्द गायब हो गया? ले बोलो, कमाल है। चाय पीने से सरदर्द गायब? तो मुझे लगता है दवाई की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये सरदर्द की गोली बनाना बंद करके जगह जगह चाय की टपरियां खोल देनी चाहिए। सिद्ध जी, मैं एक मिनट में आया। हाँ, कहाँ जाना है? चाय पीने। और अभी तो चाय पी के आया तू? हाँ, वो अभी इतना सारा चाय का डिस्कशन हुआ ना, तो फिर से चाय पीने का मन हो गया। किसका फोन है? फोन फोन किसका आ रहा है? बावरी का? नहीं नहीं, बावरी जी का फोन नहीं है। दिखा। सेठ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ बावरी जी का फोन नहीं है, फिर भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। बावरी का फोन नहीं है तो किसका फोन है? परम मित्र का। मेहता साहब का? अरे नटू काका, मेहता साहब मुझे क्यों फोन करेंगे? मेहता साहब सिर्फ सेठ जी के परम मित्र है, पूरे संसार के परम मित्र नहीं है। ये मेरे परम मित्र का फोन है। तेरे पास भी परम मित्र है? कौन? धनियो? वो मुंबई है? हाँ। देखा? सेठ जी, इतने सालों से मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। लाखों का सामान डिलीवरी करने जाता हूँ, कितना सारा पेमेंट लेके आता हूँ। दिवाली में, नवरात्रि में, गणेशोत्सव में हमारा बिजनेस बढ़े इसलिए आपको कितनी स्कीमें देता हूँ, फिर भी आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए चेक बस। नहीं नहीं ठीक है, जा जा पी के आ चाय। जी। अच्छा सुन, नटू काका चाय पियेंगे? ऑफ कोर्स। हम दोनों के लिए भी चाय बोल देना। जी। सेठ जी, कभी कभी शब्द इंसान को तलवार से भी ज्यादा जख्म देते हैं। पर मैंने कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है नटू काका, मैंने तो सिर्फ उससे दो बार फोन मांगा के ला फोन देखा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब? मतलब करनी कथनी से ज्यादा ताकतवर होती है। आश, बच गया। अगर सेठ जी को पता चल जाता कि मेहता साहब का फोन है तो बहुत सवाल करते, और अगर उन्हें ये पता चल जाता कि मैंने मेहता साहब को छुट्टी का आइडिया दिया है तो मेरी परमानेंट छुट्टी कर देते। हाँ मेहता साहब, क्या हुआ? आपने फोन क्यों किया? आपको पता है मैं अभी फंस जाता। क्यों, कुछ प्रॉब्लम हुआ? हाँ, वो सेठ जी को लगा कि बावरी जी का फोन है तो वो मेरा फोन चेक करने के लिए मांग रहे थे। सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बताइए क्या हुआ? खुशखबरी देने के लिए फोन किया कि मुझे छुट्टी मिल गई। अरे वाह, थैंक यू फॉर द फोन कॉल एंड थैंक यू फॉर द आइडिया। अरे मोस्ट वेलकम मेहता साहब। वैसे आपने ये खुशखबरी अंजलि भाभी को दी के नहीं? बाघा, अंजलि को घर पे जाके सरप्राइज दूंगा और बताऊंगा कि कल छुट्टी मिल गई। ओ, अच्छा अच्छा, वंस अगेन थैंक यू। चलो चलो, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है मेहता साहब। और हाँ, आपका प्रॉमिस याद रखना। कौन सा प्रॉमिस? ये देखिए मेहता साहब, ये चीटिंग है।
आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये आइडिया मैंने आपको दिया है वो आप सेठ जी को नहीं बताएंगे। अच्छा वो प्रॉमिस, वो तो मैं भूल ही गया। अरे बागा मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, ये हमारे बीच की बात है, हमारे बीच ही रहेगी। मैं इस बारे में जेठालाल को कभी नहीं बताऊंगा। क्या है ना मेहता साहब, आप और सेठ जी परम मित्र हैं, सुबह शाम मिलते रहते हैं, तो क्या है कभी अगर आपके मुंह से गलती से भी निकल गया तो सेठ जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे नहीं 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 बागा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कभी नहीं बताऊंगा। थैंक यू मेहता साहब, चलो मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। ये लीजिए आपकी तीन चाय। तीन चाय? आज तू भी हमारे साथ चाय पीने वाला है क्या? बागा भाई तीसरी चाय आपने मेरे लिए बोली? अरे नहीं नहीं मेरे लिए है। अरे कितनी चाय पी रहा है तू आज बागा? नहीं नहीं ये तो आप दोनों को कंपनी देने के लिए, आप दोनों अकेले अकेले चाय पियो अच्छा नहीं लगता है ना? चस्टियो थे गी आज एक नंबर नो। ला भाई ला। हाँ ला ला भाई ला ला। ले भाई। थैंक यू सेठ जी। हाँ ले हाँ ले। चीयर्स सेठ जी। हाँ हाँ चीयर्स चीयर्स। चीयर्स फॉर द छुट्टी। छुट्टी? छुट्टी? छुट्टी नहीं। जुग्गी जुग्गी। जुग्गी? ये जग्गू को मैं प्यार से जुग्गी बुलाता हूँ, क्योंकि क्या है वो बहुत बढ़िया चाय बनाता है ना, इसलिए जुग्गी। तो चीयर्स फॉर जुग्गी। जुग्गी चीयर्स। वाह ये जुगीड़ी मस्त चाय बनाता है। नटू काका क्या हुआ क्या हुआ? नटू काका आपने ये कवर अभी तक सेठ जी को दिया नहीं? कौन सा कवर? सेठ जी ये कवर 7 दिन पहले ही दुकान में आ गया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। 7 दिन पहले? नट्टू काका इतना काम का कवर आप देना कैसे भूल गए? वो क्या हुआ बागा ने जब मुझे कवर दिया ना तो मैंने इतना संभाल के रखा कि 2 फाइल के बीच में दब गया। किसका कवर है? कंपनी का। अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। एक बार इसके डीलरशिप पाने के लिए कितनी कोशिश की थी। नटू काका सेठ जी डांटना बाद में, पहले लेटर तो पढ़ लीजिए। हाँ ये लीजिए सेठ जी। अरे बाप रे क्या हुआ क्या लिखा है? क्या पता। तो आपने अरे बाप रे क्यों बोला? अरे इंग्लिश में है। ओ अच्छा लेट मी रीड। To Jethalal Champaklal Gada, owner of Gada Electronics. Subject: Meeting appointment with Gada Electronics. Hope this letter finds you well. Company are happy to inform you that we are interested to meet you to discuss offering you the dealership of our home appliance product, and we are looking forward to exploring this opportunity with you. We are pleased to inform you that the meeting has been scheduled on Seth ji company Gada Electronics ko dealership dene ke liye Gada Electronics ke malik yani aapke sath meeting karna chahti hai. Are wah Nattu kaka. Are are ye to hai to bahut badhiya baat hai. Ha ha Seth ji ha bahut khushi ki baat hai. तो क्या लिखा है उसमें लेटर में? कब मिलना चाहते हैं मीटिंग के लिए? कल। कल? हाँ उन्होंने पूछा है कि कल सुबह 11:30 बजे वो मीटिंग के लिए आ सकते हैं। चलो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी भगवान का नाम लेकर कल मीटिंग कर डालिए। हाँ
अरे क्या मीटिंग कर डाली है, जिस कंपनी का नाम इंग्लिश में है, लेटर इंग्लिश में लिखा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग मीटिंग में इंग्लिश में करना चाहेंगे ना। That is obvious, सेठ जी, मीटिंग तो इंग्लिश में ही करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर है? आइए आइए मैडम, इस तरफ आइए आइए। कल मीटिंग इंग्लिश में कैसे करूंगा मैं? एक कम हो सकता है, अगर मेहता साहब मेरे साथ मीटिंग में रहे तो जरूर हो सकती है मीटिंग। मेहता साहब को बोलता हूँ कल मेरे लिए कुछ भी करके छुट्टी ले ले। इसे कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। बड़ी मुश्किल से मशक्कत करके मैंने एक छुट्टी हासिल की और मुझे लगा कि मैं अंजलि को खुश कर लूंगा, लेकिन नहीं, जेठालाल मुझे दुखी करना चाहता है क्योंकि वो मेरी छुट्टी बिगाड़ना चाहता है। जब जब जेठालाल पर मुसीबत आई है तब वो मुसीबत मुझ पर भी आई है, लेकिन इस बार एक नहीं दो दो मुसीबत है। एक तरफ मेरी धर्मपत्नी है और दूसरी तरफ मेरा परम मित्र। अब मेरे को लेके दोनों तरफ से खींचातानी होने वाली। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अंजलि के लिए छुट्टी बहुत मायने रखती है और जेठालाल के लिए उसकी मीटिंग। लेकिन जेठालाल को यह समझना पड़ेगा कि इस बार उसका फायर ब्रिगेड उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये छुट्टी सिर्फ और सिर्फ अंजलि के लिए ली थी। जेठालाल को मेरी दुविधा समझनी पड़ेगी। अब इस बात को लेके आगे क्या घमासान होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जिस कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए आपने इतनी कोशिश की, आज वो कंपनी वाले खुद आपको डीलरशिप देने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ। अरे सेठ जी, नटू काका, ये तो कितनी बड़ी बात है। देखो, कांग्रेचुलेशन। बाय 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 बाय। अभी डीलरशिप मिली नहीं है, एक बार मिल जाए फिर हम तीनों मिलकर नाचेंगे, क्या नटू काका? हाँ हाँ, उछल उछल के नाचेंगे, उछल उछल के नाचेंगे। तो क्या लिखा है उसमें लेटर में, कब मिलना चाहते हैं मीटिंग के लिए? कल। कल? हाँ, उन्होंने पूछा है कि कल सुबह 11:30 बजे वो मीटिंग के लिए आ सकते हैं। अरे कल के कल कैसे पॉसिबल है? अरे भाई, कैसे भी करके कल के कल पब्लिशल करना पड़ेगा। क्या नटू काका? अरे क्या नटू काका, क्या ये लेटर तूने रिसीव किया तो सीधा लाके मुझे देना चाहिए ना, नटू काका को क्यों दिया? लेकिन तभी आप दुकान में थे नहीं। अरे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए टिम्बकटू थोड़ा चला गया था, जब दुकान में आया तभी देना चाहिए ना। मैं नटू काका को यही बोल के निकला था कि जैसे ही सेठ जी दुकान में आए आप उनको ये कवर दे देना। तो तू कहां गया था? अंदरबार निकोबार? अंदमान निकोबार। क्यों गया था वहां? मैं वहां नहीं गया था, मैं सिर्फ आपको करेक्ट कर रहा हूँ। उस जगह का नाम अंदमान निकोबार है। मैं तो ये कवर नटू काका को देकर माल की डिलीवरी के लिए गया था। चलो, अभी जो हो गया सो हो गया। अरे आप मुझे क्या बोल रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, मैं कवर देना नहीं भूला हूँ। अरे भाई, मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जनरल बोल रहा हूँ, मानस मात्र भूलने पात्र। नहीं सेठ जी, वो बराबर है, लेकिन छोटी मोटी भूल हो तो समझ में आता है नटू काका, इतनी बड़ी भूल आप कैसे कर सकते हैं? मैंने बोला ना सेठ जी, वो कवर दो फाइल के बीच में आ गया, इसीलिए रह गया। वरना आपको तो पता है मेरा सब काम एकदम चौकस रहता है। चलो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी भगवान का नाम लेकर कल मीटिंग कर डालिए। अरे क्या मीटिंग कर डाली है, जिस कंपनी का नाम इंग्लिश में है, लेटर इंग्लिश में लिखा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग मीटिंग में इंग्लिश में करना चाहेंगे ना। That is obvious, सेठ जी, मीटिंग तो इंग्लिश में ही करेंगे। तो अरे वो फोन अभी मत उठाइए, फोन रख दीजिए आप। सेठ जी, टेम्पो वाले का फोन है, कल उसको कहाँ कहाँ डिलीवरी करनी है उसकी लिस्ट मुझे देनी है। ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर है? आइए आइए मैडम, इस तरफ आइए आइए। कल मीटिंग इंग्लिश में कैसे करूंगा मैं? एक कम हो सकता है, अगर मेहता साहब मेरे साथ मीटिंग में रहे तो जरूर हो सकती है मीटिंग। मेहता साहब को बोलता हूँ कल मेरे लिए कुछ भी करके छुट्टी ले ले। वाह वाह, छुट्टी मिल गई तो अंजलि खुश हो जाएगी।
बोलो बोलो जेठालाल। ओहो, लगता है साहब बहुत खुश है मेहता साहब। हाँ बहुत खुश हूँ। क्यों? क्यों मतलब, क्या मैं खुश नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं, जरूर खुश हो सकते हैं। मैं तो खाली वजह पूछ रहा हूँ कि क्यों, किस वजह से खुश है आप? वो खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने कैसे याद किया? मेहता साहब आपका एक बहुत ही जरूरी काम है मुझे। टेंशन वाला है? टेंशन वाला तो, अरे टेंशन वाला हुआ भी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम शाम को घर आ जाओ, तुम्हारा जो भी टेंशन वाला काम होगा ना मैं सॉल्व कर दूंगा। पक्का? पक्का क्या, प्रॉमिस। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। तो मिलते हैं रात को। हाँ ओके। चलो ये बढ़िया हो गया, मेहता साहब ने सामने से मुझे प्रॉमिस दिया है, मतलब वो कल कैसे भी करके मेरे लिए छुट्टी ले ही लेंगे। कल मैंने स्पेशली अंजलि के लिए छुट्टी ली है, कल का पूरा दिन मैं सिर्फ अंजलि के साथ बिताऊंगा, और ये खुशखबरी गुलदस्ता देकर बताऊंगा। दलाल, दलाल, दलाल। अंजलि खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मुझे छुट्टी मिल गई है। एक मिनट, सीधे सीधे गुड न्यूज देने में कोई मजा नहीं, अंजलि को गुड न्यूज देने से पहले थोड़ी शरारत करता हूँ। पहले उसे कहूंगा कि छुट्टी नहीं मिली, फिर सरप्राइज दूंगा कि छुट्टी मिल गई। अंजलि का चेहरा देखने लायक होगा। अरे आप आ गए, क्या हुआ तारा, कैसे मुंह क्यों लटका है? छुट्टी नहीं मिली, ऊपर से बॉस ने बोला छुट्टी तो छोड़ो, कल सुबह जल्दी आना पड़ेगा और रात को भी ओवरटाइम करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ ऐसी नौकरी को छोड़ो। किस काम की ऐसी नौकरी जो हमारी खुशियों के आड़े आए? छोड़ दीजिए ऐसी नौकरी। हाँ और नहीं तो क्या, अभी के अभी आप रिजाइन कीजिए। अरे क्या रिजाइन कर दो, अगर नौकरी से रिजाइन कर दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे, खाएंगे क्या, हवा? हाँ नहीं मतलब आप रिजाइन मत कीजिए। कैसे बॉस है आपकी, एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकते? आप अभी अपने बॉस को फोन लगाइए, मैं उनसे बात करती हूँ, लगाइए। अंजलि ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया ना तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाँ तो भले निकाल दे, मैं काम कर लूंगी। बॉस तुम्हें भी नौकरी पे नहीं रखेंगे। तारक मैं आपके बॉस के यहाँ क्यों काम करूंगी? कोई हक नहीं बनता आपके बॉस को हमारे स्पेशल डे को खराब करने का। कल के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे, कितना कुछ सोचा था, लेकिन आपके बॉस ने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। ओ मेहता साहब, अंजलि भरजाई, ए देखो वो आप लोगों के घर के बाहर कोई गुलदस्ता छोड़ के गया। गुलदस्ता? अरे अति उत्साही सोडी। है तो बड़ा सुंदर, लेकिन ये घर के बाहर कौन छोड़ कर गया है? ओ भरजाई, यही तो मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ मेहता साहब, ए देखो क्या लिखा है, टू माई लव अंजलि। परछाई। हाँ? ऐसा कौन लिख सकता है? ओ वही तो, ओ किस बदतमीज की इतनी जुर्रत जो हमारी परछाई को माई लव कहे। ओए मेहता साहब, एक कुवारी ओ बेड़ी बूथी मेरे हत्थे चढ़ जाए, ओ मैं उधर गोटे बन जाने, ओ मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। ओ मेहता साहब, आपको किसी पे शक है? ओ किस बदतमीज ने ये बुके, ये गुलदस्ता आपके घर के बाहर रखा है? ओए उस बंदे नु मारो गोली, वो मैं तो गुलदस्ता ही सट देना। छोड़िए, मुझे पता है कि गुलदस्ता किसने बाहर रखा था। क्या आपको पता है? हाँ। तारक, ये गुलदस्ता मैंने ही बाहर रखा था। एक मिनट मेहता साहब, अगर ये गुलदस्ता आप लेके आए हो तो फिर कार्ड पे लिखा किसने? सोढ़ी, अगर गुलदस्ता मैं लेकर आया हूँ तो इसमें लिखा भी मैंने ही होगा ना। करेक्ट है जी। अच्छा अच्छा, आप समझी, आपको छुट्टी नहीं मिली ये बात सुनकर मैं गुस्से में आने वाली हूँ, ये आपको पहले से पता थी, इसीलिए मुझे मनाने के लिए ये गुलदस्ता लाए हैं आप। बात तारक, मुझे तो यूं चुटकियों में मना लेते हैं,
लेकिन आपके बॉस के आगे आपकी एक नहीं चलती। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस बार मैं नहीं मानने वाली हूँ। वो एक मिनट मेहता साहब, मेरे को एक गल समझ में नहीं आई। तो गुलदस्ता आप लेके आए, तो गुलदस्ते पे आपने लिखा, तो फिर ये गुलदस्ता तुसी बाहर क्यों छोड़ के आ गए? नहीं, अंजलि परजाई नूं दित्ता क्यों नहीं? क्योंकि मैं अंजलि के साथ शरारत कर रहा था। शरारत? हाँ अंजलि, कल के लिए मुझे छुट्टी मिल गई। क्या? हाँ छुट्टी मिल गई, और इसी बुके के साथ मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया, पर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। कैरी ऑन अंजलि। अंजलि थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरे दिन सुहाने और रातें हंसी हो गई है, मेरे गम कम और खुशियां दुगनी हो गई है। और कल हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है, इसलिए कल का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। देखिए आपने कहा है कि कल का पूरा दिन आप मेरे साथ बिताएंगे, फिर पलट मत जाना। नहीं पलटूंगा। कोई बॉस का कॉल, कोई ऑफिस का काम, कोई दोस्त का नाम नहीं। नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हमारे प्यार की कसम? हमारे प्यार की कसम। और कल का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे नाम और ये गुलदस्ता मेरी प्यारी सी अंजलि के लिए। I love you. अरे अंजलि क्या हुआ, कल मुझे पूरे दिन की छुट्टी मिली है और तुम खुश नहीं हो? खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन 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 मुझे लगा कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आज मैंने डिनर में सैलेड और सूप बना दिया। क्या? हाँ, आपने ऑफिस से फोन नहीं किया तो मुझे लगा आपको पक्का छुट्टी नहीं मिली है, तो उससे मैं आके मैंने सैलेड और सूप बना दिया। लेकिन अंजलि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। हाँ लेकिन आपने बताया नहीं ना कि आप सरप्राइज देने वाले हैं। बताऊं? वो भी सरप्राइज के बारे में? मेरी तो किस्मत ही फूटी है, इतने झूठ बोल के बहाने बनाकर मैंने बॉस से छुट्टी ली और यहाँ पर आने के बाद क्या मिला? सूप, सैलेड, छह। मैं मजाक कर रही हूँ। क्या? हाँ, मैंने आज आपके लिए पनीर मक्खन वाला कुलचे, पुलाव, मलाई कोफ्ता और डिजर्ट में कैरमल कस्टर्ड बनाया है। सच? हाँ, क्यों? मजाक सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अंजलि, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Love you too. लेकिन अंजलि ऐसे ना खाने के साथ मजाक मत क्या करो, मेरा दिल बैठ जाता है। ओके बाबा, सॉरी। तारा, I'm so excited. कल का पूरा दिन हम एक साथ घूमेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे, मूवी देखेंगे, शॉपिंग मेरी पसंद की और खाना आपकी पसंद का खाएंगे। अंजलि तुम जैसा खाओगी वैसा ही होगा। कल की छुट्टी मैंने खास तुम्हारे लिए ली है। देखो आप, कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए सनम, मुझे मेरे प्यार की कसम। कल का दिन तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। एक मिनट। अरे जेठालाल आओ आओ, बताओ आज क्या प्रॉब्लम लेकर आए हो? तारक कमाल करते हैं आप भी, लोग तबीयत पूछते हैं, चाय पानी पूछते हैं और आप एक ही प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। क्योंकि जेठालाल बाकियों की तरह सिर्फ मिलने नहीं आता, कोई ना कोई समस्या लेकर आता है, है ना? तारक, अंजलि झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक काम करो तुम ही पूछ लो। अने मेहता साहब बराबर बोल रहे। अब आप दोनों बात कीजिए, तब तक मैं आपके लिए समर कूलर ड्रिंक लाती हूँ। इतने गर्मी नहीं लग रही है, कूलर की जरूरत नहीं है अंजलि भाभी। जेठा भाई, समर कूलर एक प्रकार का ड्रिंक होता है जो मैंने जामुन से बनाया है, आप ट्राई तो कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आइए आइए बैठिए ना। बताओ क्या बात? मेहता साहब बात दरअसल ये है कि अरे वाह जेठालाल,
ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत बड़ी कंपनी है और वो तुम्हें अपनी डीलरशिप देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आपकी मदद के बगैर मुझे यह डीलरशिप मिल नहीं सकती। क्या मतलब? कल मेरी उनके साथ मीटिंग है, तो वो मीटिंग आपको करनी होगी। मुझे? हाँ। पर क्यों? अरे क्योंकि मीटिंग पूरी इंग्लिश में है मेहता साहब, और आप तो जानते हैं मेरी इंग्लिश वो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ भी करके कल की मीटिंग आपको करनी होगी। सॉरी जेठाला, लेकिन मैं कल ये मीटिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कल की पूरी छुट्टी मैंने सिर्फ और सिर्फ अंजलि के लिए ली है। कल हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है और अंजलि ने पूरे दिन की प्लानिंग करके रखी है। पहली मुलाकात की एनिवर्सरी? ये वर्सी नहीं भाई, वर्सरी, एनिवर्सरी। वो कल ही है? हाँ। हाँ तो ये मीटिंग तो सुबह सिर्फ एक दो घंटा ही चलेगी, तो मैं अंजलि भाभी से बात करूँ कि एक दो घंटे के लिए आपको छोड़ दे। अरे नहीं भाई, कल का पूरा दिन अंजलि के लिए ही है और तुम अंजलि से कोई बात नहीं करोगे, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा पूरा दिन चाहिए ना, तो ठीक है, तो मैं अंजलि भाभी से ये बात करूं कि कल की जगह परसों मना लो एनिवर्सरी। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो, हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी कल है तो परसों कैसे मना सकते हैं? बर्थडे बर्थडे के दिन ही मनाया जाता है ना। बर्थडे है कि एनिवर्सरी? अरे एग्जांपल दे रहा हूं, और मान लो अंजलि परसों के लिए मान भी गई तो कल की छुट्टी का क्या? अरे छुट्टी कल की कैंसिल कर दो, उसके जगह परसों ले लो छुट्टी। तुम सेठ हो, कभी नहीं समझोगे कि वर्किंग डे पे छुट्टी मांगना और मिलना कितना मुश्किल होता है। मेहता साहब आपने मुझे प्रॉमिस दिया था कि कुछ भी करके मैं तुम्हारा प्रॉब्लम का हल ढूंढ दूंगा। लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करने से पहले मैं अंजलि को प्रॉमिस दे चुका था। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि बीवी को दिया हुआ प्रॉमिस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉमिस होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जेठालाल सॉरी, मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन मेहता साहब। जेठालाल कभी मेरी परिस्थिति भी तो समझो, अभी मैं फंसा हुआ हूँ और मैंने अंजलि को प्रॉमिस कर दिया है कि कल का पूरा दिन मैं उसके साथ ही रहूंगा। प्लीज मेहता साहब। जेठालाल प्लीज प्लीज मत बोलो यार, देखो मुझे तुम्हें मना करते हुए बहुत दुख हो रहा है, प्लीज। पेश है समर कूलर ड्रिंक, ये लीजिए। थैंक यू। अरे पीजिए ना। वाह ये है तो टेस्टी निकला। टेस्टी निकला? नहीं नहीं, मेरा मतलब है टेस्टी है। अच्छा मैंने कहा था ना, थैंक यू। वैसे क्या हेल्प चाहिए थी जेठा भाई को? नहीं नहीं कुछ खास नहीं, वैसे कल के लिए अभिनंदन। मेहता साहब ने मुझे बताया वो कल का दिन आपका वो पहली मुलाकात वाला दिन है ना। जी जी थैंक यू। वैसे जेठा भाई सच कहूँ तो पहले तो मैं आपको देखकर डर ही गई थी, कहीं तारक को आप कल अपने साथ तो नहीं ले जाना चाहते हैं? मेरे लिए ली गई छुट्टी आप पर खर्च हो जाती, मतलब यूज हो जाती। नहीं नहीं वो तो मैं तो एक मैटर पे खाली मेहता साहब की सलाह लेने आया था। अच्छा अंजलि कुकर की सीटी बज गई। हाँ मैं भूल गई, मैंने गैस पे पुलाव चढ़ाया था, अभी आई। मेहता साहब कोई तो उपाय बताइए, कल इस मीटिंग का क्या करूँ मैं? जेठालाल तुम चिंता मत करो, देखो कोई ना कोई सलूशन जरूर मिलेगा। एक काम करो, तुम घर जाके फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो, फिर फोन पे बात करके मिलते हैं और फिर कुछ सोचते हैं। ठीक। देखिए सॉरी आ गया बाबूजी। नहीं आ तो गया, लेकिन क्या बात क्या है, तेरा मूड क्यों ऐसा उखड़ा उखड़ा लग रहा है, कोई चिंता है? नहीं नहीं बाबूजी। अरे तेरे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि तू किसी बात को लेकर चिंतित है, बता क्या बात है? चिंता तो वही बाबूजी दुकान की। एक जगह दुकान की चिंता दुकान में ही छोड़ के घर आना चाहिए, और घर की परेशानी घर में ही छोड़ के दुकान जाना चाहिए, समझा?
यही सुखी जीवन जीने का तरीका है। ये सब बोलना आसान है बापूजी। क्या सोच रहा है? नहीं, अभी आपने जो बोला उसी के बारे में सोच रहा था बापूजी, कि आपकी बात बराबर है। अभी से मैं ऐसा ही करूंगा। वैसे किस बात की चिंता? वो क्या हुआ बापूजी के बस इतनी सी बात? ये आपको इतनी सी बात लग रही है बापूजी? अरे मीटिंग इंग्लिश में है बापूजी, इंग्लिश में। अरे तो क्या हुआ? देख, वो लोग सामने से लीडरशिप की ऑफर लेकर आए, मतलब उन्होंने पहले तेरे बारे में, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सारी जानकारी ले ली होगी, तो वो लोग तेरी भाषा देख के नहीं जटिया, तेरा धंधा देख के तुझे डीलरशिप देंगे, समझा? और तू चिंता मत कर, मुझे पूरा भरोसा है कि कल तेरी मीटिंग अच्छे से ही होगी। थैंक यू बापू जी। और सुन जटिया जी, एक बात कहनी रह गई, वो अहिंसा धाम गौरक्षा मंडल है ना, उसके नाम पे चेक बना। जी जी बापू जी, कल सुबह बना दू तो चलेगा ना? हाँ चले। पता नहीं कल की मीटिंग कैसी होगी, मेहता साहब कोई रास्ता निकाले तो अच्छा है। अगर आपको अपनी धर्म पत्नी और परम मित्र में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? है ना मुश्किल सवाल? जी हाँ, ऐसा ही मुश्किल सवाल मेरे सामने पहाड़ बन के खड़ा है। जेठालाल कितनी उम्मीदें लेकर मुझसे मदद मांगने आया था, लेकिन मुझे उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरना था। क्या करता? अरे इतनी मुश्किल से मशक्कत करके मैंने एक छुट्टी हासिल की थी, तो मैं अंजलि को नाराज कैसे कर सकता हूँ? लेकिन इस चक्कर में जेठालाल दुखी हो गए। और अगर आपका परम मित्र दुखी है तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? फिलहाल तो मैंने जेठालाल से कह दिया कि तुम्हारा फायर ब्रिगेड तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ लेगा, लेकिन कैसे? क्या जेठालाल को ये मीटिंग करनी पड़ेगी? और ये मीटिंग तो इंग्लिश में होनी, तो जरा सोचिए अगर जेठालाल इंग्लिश में ये मीटिंग करेगा तो कितनी मस्ती होगी, कितना धमाल होगा। लेकिन जो भी होगा मनोरंजन से भरपूर होगा। देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा आ गया। अब एक अच्छी सी रोमांटिक फिल्म एक साथ देखेंगे और मजा आएगा। हाँ जरूर देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। क्यों? अभी मुझसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? परम मित्र। मेरा मतलब है कि जेठालाल से कुछ काम था तो वो बस मिलकर आता। अभी तो आपको मिलकर गए हैं तारक, पक्का कोई टेंशन वाली बात है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं अंजलि। जेठालाल को कुछ सलाह मशवरा करना था तो मैंने उससे कहा था कि खाना खाने के बाद मिलते हैं और बात करते हैं, बस यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए, जल्दी आना। पक्का। अमिता साहब बोली, आ जाओ मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ, मैं नीचे कंपाउंड में खड़ा हूँ, आ जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अमिता साहब बोली, जेठालाल तुम भी ना बेवजह परेशान होते रहे, तुम्हारे घर पर इतना बड़ा बिजनेसमैन है जिसे इंग्लिश की पूरी जानकारी है, उसे मीटिंग में ले जाओ। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? टप्पू। टप्पू को तो इंग्लिश की पूरी जानकारी है, टप्पू को साथ में ले जाओ, उसके लिए भी अच्छी शुरुआत होगी। टप्पू यहाँ है नहीं, मेहता साहब बारगांव गया है। कहाँ गए? वो पर्यावरण का काम करने गया है। मतलब? मतलब टप्पू सेना और उसके सब दोस्त सब मिलके कहीं जगह जगह पौधे लगाने गए। ओ, ट्री प्लांटेशन। हाँ। तो 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 भिड़े को ले जाओ। नहीं, भिड़े को नहीं ले जा सकता मैं। क्यों? वो शिक्षक है, वो क्या व्यापारी की तरह बात नहीं कर पाएगा। वो अपने वो ट्यूशन के बच्चों को जैसे समझाता है वैसे वहाँ अगर समझाने बैठ गया तो उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगा। बात तो सही है। ओ तो डॉक्टर हाथी को ले जाओ। नहीं, हाथी भाई को भी नहीं ले जा सकता मैं। क्यों? वो चालू मीटिंग में उनको इमरजेंसी केस का कोई फोन आ गया तो उनको मीटिंग छोड़कर जाना पड़ेगा ना। ये भी सही है। बबीता जी। नहीं, बबीता जी को भी नहीं ले जा सकता मैं। बबीता जी की इंग्लिश तो अच्छी है। अरे अच्छी क्या, उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। तो क्या प्रॉब्लम है?
अय्यर भाई, उनको जैसे ही पता चलेगा कि भाई इंग्लिश की वजह से मैं बबीता जी को मीटिंग में ले जा रहा हूँ, तो जब भी मौका मिलेगा पूरी सोसाइटी के सामने मेरी खिल्ली उड़ाते रहेंगे। क्या जेठालाल, तुम भी ना राई का पहाड़ बना देते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम का समाधान तो एकदम सिंपल है। अच्छा, क्या? बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। और तुम्हारे बगल में छोरा नहीं, छोरे हैं। अरे अभी भाई मुभम बात करना छोड़ो और बताओ सीधा सीधा क्या क्या कौन क्या। नट्टू काका और बाघा। अरे तुम ही तो कह रहे थे कि दमन में बाघा की इंग्लिश की वजह से तुम्हारी कोई डील फाइनल हो गई थी। वो बराबर है, लेकिन वो क्या कि वो खाली डील थी, ये पूरी डीलरशिप की बात है मेहता साहब। तो क्या हुआ? देखो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन, जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रही है, क्योंकि दोनों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, प्लस दोनों को इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस की पूरी जानकारी है। लगाओ लगाओ नट्टू काका और बागा को फोन लगाओ और बात करो। क्या हुआ? नट्टू काका फोन नहीं उठा रहे। बागा को फोन करो। हाँ वही कर रहा हूँ। बावरी जी एक मिनट पकड़िए ना जरा प्लीज। अरे बापरे, सेठ जी का फोन, उन्होंने हमें साथ में देख लिया तो। अरे बागेश्वर जी कैसी बात करते हैं, बिंदास बात कीजिए, अभी हम दुकान में थोड़ी ना। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया। हाँ बोलिए बोलिए सेठ जी। अरे नट्टू काका कहाँ है भाई, कब से फोन कर रहा हूँ उठा नहीं रहे मेरा फोन। वो भजन संध्या में गए हैं सेठ जी, तो आपके फोन की रिंग उन्हें सुनाई नहीं दी होगी। बोलिए ना। और तू कहाँ है भाई, ये बीच इतने ऐसी आवाज क्यों आ रही है? वो सेठ जी मैं गोला खाने आया हूँ। कहाँ? यही अपना सुभाष चौक। अच्छा वो रंगीला गोला वाले के पास। अरे तो वो तो यहाँ पास में ही है, तो एक काम कर तू फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी आ जा। जेठालाल उसे यहाँ मत बुलाओ, हम वहाँ जाते हैं। अरे हम क्या वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएगा ना इधर। नहीं नहीं वहाँ जाएंगे तो एक एक गोला खा लेंगे ना। अच्छा सुन, तू मत आ, मैं और मेहता साहब वहाँ आ रहे। अरे बाप रे, कहीं मेहता साहब ने सेठ जी को बता तो नहीं दिया कि उनको छुट्टी का आइडिया मैंने दिया था। हेलो। हाँ 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 सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, अगर कोई गड़बड़ है तो कल बात करते हैं। नहीं नहीं कल नहीं भाई, अभी मिलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ सेठ जी, कुछ टेंशन है? अरे कोई टेंशन नहीं है भाई। हेलो, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। कल जो मीटिंग है ना उसी के बारे में बात करें। ओ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आइए आइए मैं यही हूँ। हाँ आते हैं। एक मिनट चालू रखा। हाँ सुन भाई, ओ नट्टू काका को भी वहाँ बुला ले, ठीक है? जी सेठ जी। ओके चल आते हैं हम लोग। चल गोला खाने चलते हैं। मतलब नट्टू काका और बागा से बात करते हैं। एक मिनट बावरी जी, नट्टू काका को फोन ट्राई करना पड़ेगा। आगे आइए आइए सेठ जी, आइए ये लीजिए गोला खाइए। अरे अभी कहाँ गोला है? अरे लेकर आया तो ले लो ना। हाँ लीजिए ना। पर मैंने नट्टू काका को बुलाने का बोला था, बावरी को क्यों बुलाया? उनको बुलाया नहीं है। तो अपने आप आ गई? नहीं नहीं सेठ जी, वो आपका जब फोन आया तब मैं और बावरी जी साथ में ही थे। तो नट्टू काका को बुलाया कि नहीं? हाँ बुलाया ना, वो बस अभी आते ही होंगे। देखो वो आ गए। सॉरी भजन में था इसके लिए फोन की घंटी सुनाई नहीं दी। हाँ बागा ने मुझे बताया। क्या? सेम यही कि भजन चल रहे होंगे तो आपके फोन की रिंग उन्हें सुनाई नहीं दी होगी। स्मार्ट बॉय। थैंक यू नट्टू काका, वैसे आप भजन में गए थे तो प्रसाद नहीं लाए? लाया हूँ ना। तो ये लो बावरी बेटा, ये आप लो। थैंक यू साहब, आप भी लो। बोलिए बोलिए सेठ जी, अचानक अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? हाँ वो भी रात को। अरे
बावरी जी। हाँ बोलिए सेठ जी। एक मिनट सेठ जी, नटू काका आप गोला खाएंगे ना? नहीं नहीं अभी कहाँ। अरे मैंने ऑर्डर दे दिया है। ठीक है खा लूंगा। बोलिए सेठ जी। अरे अरे भाई यहाँ यहाँ देना यहाँ देना। अरे मेरे लिए ऑरेंज मंगवाया। आपको कौन सा खाना है? काला खट्टा। अच्छा ओ भाई एक मिनट, इसमें थोड़ा काला खट्टा डाल के लेके आओ ना। नहीं 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 मेरे लिए नया काला खट्टा लेके आओ। तो अब ये मैं खा लूं? हाँ ले बेटा ले। ये लीजिए बावरी जी। थैंक यू। चल अभी हो गया आप सबका गोला बारूद सब हो गया। हाँ हाँ सेठ जी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं तो जैसा कि सॉरी तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ी कंपनी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है। बहुत बड़ी कंपनी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग? हाँ भावरी जी, कंपनी गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी डीलरशिप देना चाहती है। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस गोलालाल जी। गोलालाल जी नहीं बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। तो अभी मुद्दे की बात यह है कि उनके साथ मीटिंग करेगा कौन? टप्पू सेठ जी। सेठ जी आप टप्पू सेठ जी से कहिए ना कि वो आपके साथ मीटिंग में रहे। पर टप्पू यहाँ है नहीं ना, वो बाहर कहाँ गया है? कहाँ बचाओ। नहीं नहीं वो ट्री प्लांटेशन के लिए गया अपने दोस्तों के साथ। ओ गुड वर्क, छोटे सेठ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बराबर है नट्टू काका, वरना आजकल पर्यावरण के बारे में सोचता कौन है? हाँ हमें पर्यावरण के बारे में तो सोचना ही चाहिए। आजकल तो देश विदेश हर जगह पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बराबर है बावरी जी, और हम अगर पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तो ही पर्यावरण हमारे बारे में सोचेगा। तो अभी लगे हाथ कल की मीटिंग के बारे में भी हम लोग सोचे? तो आप नहीं कर सकते, छोटे सेठ जी नहीं कर सकते। अरे हाँ तो मेहता साहब को बोलो ना कि आपके साथ मीटिंग में रहे। नहीं नट्टू काका, मेहता साहब मीटिंग नहीं कर सकते। नहीं, उनको कल ऑफिस जाना होगा। नहीं मेहता साहब? नहीं नहीं ऑफिस से तो कल उन्होंने छुट्टी ले ली है भाई। अच्छा क्यों? वो दरअसल कल मेरी और अंजलि की पहली मुलाकात की एनिवर्सरी। अरे वाह आप भी सेलिब्रेट करते हैं? मैं और बागेश्वर जी भी हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है जब हम पहली बार मिले थे? काका बावरी जी मतलब आप मीटिंग नहीं कर सकते, छोटे सेठ जी आ नहीं सकते और मेहता साहब भी आ नहीं सकते। तो अभी तो मैंने जेठालाल को सुझाव दिया कि मीटिंग आप दोनों करें। मतलब मैं और बागेश्वर जी? नहीं 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 बावरी जी, मेहता साहब मेरी और नटू काका की बात कर रहे हैं। हाँ ओह वही मैं सोचूं मैं कैसे मीटिंग कर सकती हूँ। तेरी तो बात ही नहीं हो रही है, अभी तेरा गोला खाके हो गया तो निकल बेटा। नहीं सेठ जी, अगर बावरी जी जाएंगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। क्यों? वो क्या है वो अपने घर की चाबी हमारे घर पे भूल गए हैं। बावरी बेटा अभी तू बीच में कुछ मत बोलना। हाँ तो मेहता साहब आप क्या कह रहे थे, मीटिंग मुझे और नट्टू काका को करनी चाहिए? हाँ इसके पहले भी तो की है ना आप लोगों ने मीटिंग। हाँ हाँ मेहता साहब, एक बार जब सेठ जी बारगांव गए थे तब मोहिनी मिक्सर की डीलरशिप मैं और नट्टू काका ही तो लेके आए थे। नहीं नट्टू काका? हाँ तो भाई तेरा कल की मीटिंग नट्टू काका और बागा करेंगे। और जेठालाल तुम मीटिंग के दौरान कुछ नहीं बोलोगे। क्यों? अरे वो अंग्रेजी में कुछ पूछेंगे और तुम बिना कुछ समझे जवाब दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। पर उनको अजीब नहीं लगेगा?
दुकान का मालिक होके पूरी मीटिंग में अगर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तो यस सेठ जी एज अ पॉइंट ये अच्छा नहीं लगेगा। इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करे तो काका बावरी जी सुन तो लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा बताइए आप कंपनी वालों को ऐसा बोल दे तो कि आज इनका मौन व्रत है। आइडिया तो अच्छा है। मौन रखोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं कि चुप क्यों बैठे हो और शांति से बैठकर पूरी की पूरी मीटिंग में सब कुछ सुन भी सकते हो। बढ़िया बढ़िया ये आइडिया अच्छा भवरे अच्छा एक और गोला। नहीं नहीं थैंक यू। हाँ तो भाई तेरा कि कल की मीटिंग नट्टू गागा और बाघा करेंगे और जेठालाल तुम उन लोगों के आने से लेके उन लोगों के जाने तक मौन व्रत रखो। बिल्कुल खाली एक छोटा सा डर है मेहता साहब कि मेरे मौन व्रत से उनको मतलब बुरा तो नहीं लगेगा ना कि दुकान का मालिक होके मौन व्रत लेके बैठा है कुछ बोल नहीं रहे। सकारात्मक सोचो जेठालाल कल सब कुछ अच्छा ही होगा। सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप घर जाओ और निश्चिंत होके सो जाइए हम मीटिंग संभाल लेंगे। कल आप बेझिझक होके दुकान आइए मीटिंग जबरदस्त होगी। पिघल गया। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। चलो 11:30 बजे मीटिंग है फटाफट दुकान पहुंचता हूँ। नट्टू काका बागा ने बोला तो है कि भरोसा रखिए लेकिन टेंशन तो है ही वो दोनों मीटिंग में कोई गड़बड़ ना करे तो अच्छा है। हेलो एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर जेठालाल। हाय माय नेम इज स्वाति शर्मा इज दिस मिस्टर जेठालाल। हां यस जेठालाल। हाय मिस्टर जेठालाल सो आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग टुडेस मीटिंग। हां यस यस मीटिंग यस ओके हां हां सो मी एंड माय मैनेजर विल बी कमिंग टुडे टू मीट यू सो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कॉल। ओके मैनेजर यस। अच्छा तो मैनेजर एकला कमिंग के दो तीन लोग साथ में कमिंग व्हाट अभी इसमें वोटिंग का क्या चक्कर है। हेलो मिस्टर जेठालाल आर यू गेटिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग। गेटिंग माइक गेटिंग तो इंग्लैंड के बहुत अच्छे बैट्समैन थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया कंपनी वो मैनेजर है वो आ रहे मीटिंग करने के लिए। हेलो वेलकम वेलकम मैनेजर गेटिंग सर वेलकम मैडम प्लीज थैंक यू। ओके हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू बाय। अरे बाप रे ये माइक गेटिंग जी तो इंग्लैंड वाली इंग्लिश बोलेंगे एकदम फास्ट वाली इंग्लिश। नट्टू काका भागा को इंग्लिश समझ में आएगी। ये भगवान आपके क्या गुगली पे गुगली डाल रहे। चलो फटाफट दुकान जाकर नट्टू काका भागा को बोलता हूँ कि भाई जितनी जल्दी हो सके फास्ट वाली इंग्लिश याद कर लो भाई। पापू जी मैं दुकान जा रहा हूँ। एक मिनट क्या हुआ। अरे एक मिनट दही शक्कर खा कर जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। दादाजी आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल मीटिंग है क्योंकि पूरी मीटिंग में मुझे मौन रहना है और मीटिंग नट्टू काका और भागा करने वाले तो ये मीटिंग अच्छे से हो जाए और डीलरशिप हमें ही मिले ऐसे आशीर्वाद दीजिए। और हाँ ये मौन व्रत वाली बात मैंने बापूजी को नहीं बताई है क्योंकि अगर मैं बताता तो वो मेरे बचपन का चोपड़ा खोल के बैठ जाते। इसीलिए कहता था पढ़ाई कर आज अगर तूने पढ़ाई की होती तो ये नौबत ही नहीं आती ना। अभी जो हो गया से हो गया अभी क्या कर सकते हैं बराबर ना। तो ये मौन व्रत वाली बात बापूजी को पता ना चले ऐसा भी आशीर्वाद दीजिए। ओके
जय जिनेन्द्र। शाबाश, चलता हूँ वापस। जेठालाल संभल के, अभी सीढ़ी टूट जाती। सीढ़ी टूट जाती? तुझे सीढ़ी टूटने की चिंता है, गिरने से मेरी कमर टूट जाती उसकी चिंता नहीं है? हमारे जेठालाल इतना समझते हो फिर भी गाई कर रहे हो? वो आज दुकान में बहुत बड़ी कंपनी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है भाई, इसलिए थोड़ी जल्दी में हूँ। आज सुबह ही पता चला मीटिंग के बारे में? नहीं नहीं, कल पता चला। कल से पता था फिर भी आज देर से उठे? अरे एक दिन तो जल्दी उठ जाते। जाने अवे भाईबा। अरे जेठा मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? हाँ काम कर, चल मुझे शखराम पे छोड़ दे दुकान। छोड़ तो तू जेठा ना, लेकिन तुम्हें लेट हो जाएगा। क्यों? क्या है उसका नहाना और नाश्ता बाकी है। नाश्ता? पेट्रोल? हे भगवान। बोलो। अरे सॉरी सॉरी जेठा, मेरा सुविचार पढ़ के जाओ, मेरी बहुत मदद होगी मीटिंग में। अच्छा क्या लिखा सुविचार आज? जाओ ना पढ़ो ना। अरे बोलने भाई, बहुत टाइम नहीं है, बोलने। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। अरे तो सुविचार बोलने भाई। अरे सुविचार ही बोल रहा था भाई, मैंने ही लिखा है। तो ये सुविचार से मीटिंग में मेरी क्या मदद होगी? समझाता हूँ, अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। कभी ये मत कहो कि हे ईश्वर मेरे सर पे बहुत सारी मुसीबतें हैं, बल्कि ऐसा कहो कि ये मुसीबत मेरे सर पे ईश्वर है। अब समझे, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तुम अगर ये सोच के जाओगे कि आज मेरी मीटिंग अच्छी होगी, तो तुम्हारी मीटिंग अच्छी ही होगी। मीटिंग अच्छी होगी, मीटिंग अच्छी होगी, बस रिक्शा मिल जाए, बस रिक्शा मिल जाए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, फटाफट रिक्शा मिल जाएगी, मैं फटाफट दुकान पहुंचाऊंगा और मीटिंग भी अच्छी होगी। आता बराबर? शाबाश, चलो मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। दोस्तों डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, तो इस बार जेठालाल का सहारा बनने वाले हैं नट्टू काका और बाघा। तय हो चुका है कि नट्टू काका और बाघा इस बार मीटिंग करेंगे, और क्योंकि ये मीटिंग इंग्लिश में है इसलिए जेठालाल कोई गलती ना हो मौन व्रत का नाटक करेगा। चंपक चाचा को इस मौन व्रत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे जेठालाल को ये मौन व्रत रखने में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये मीटिंग सफल होगी? क्या नट्टू काका और बाघा जेठालाल की नैया पार करवा सके? क्या जेठालाल को डीलरशिप मिलेगी? मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हंसी और ठाकों के साथ। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। माइक कटिंग वाली बात मेहता साहब से करूं? उनके साथ फोटो खिंचाने की लालच में अगर मेहता साहब मीटिंग में आ जाते हैं तो मेरा भी काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आओ बैठो बैठो। नहीं नहीं बैठना नहीं है मेहता साहब। सॉरी आज जेठालाल, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, जैसा आपका नसीब। मेरा नसीब? हाँ, आप मीटिंग में नहीं आ रहे उसमें नुकसान आपका ही है मेहता साहब। कैसे? माइक गेटिंग आ रहे मीटिंग करने। माइक गेटिंग? वो इंग्लैंड के बैट्समैन हो? वही वही वही, वो आ रहे गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं? अरे वो अभी मैनेजर हो गए इस कंपनी के। किसने बोला? अरे उनकी सेक्रेटरी का अभी सुबह फोन था। तो क्या बोल रही थी वो? तो बोली वो गेटिंग गेटिंग ऐसा। सिर्फ गेटिंग गेटिंग? नहीं मतलब वो गेटिंग मी ऐसा। वो ऐसा कुछ बोल रही थी, आर यू गेटिंग मी? हाँ यही बोली वो बराबर। हाँ जेठालाल, तुम भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। क्या मतलब? अरे आर यू गेटिंग मी का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा बोल रही थी वो। अच्छा? हाँ। नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं नहीं? तुम्हें इंग्लिश आती है? नहीं। मुझे आती है। कोई माइक गेटिंग जी नहीं आ रहे मीटिंग के लिए। चलो जो होता है अच्छा के लिए ही होता है। हाँ?
नहीं, मुझे टेंशन था कि वो माइक गेटिंग आते तो वो तो एकदम इंग्लैंड वाली इंग्लिश बोलते हैं, फास्ट वाली, तो वो नट्टू काका और भग्गा को समझ में ही नहीं आती। लगे चलो अभी नहीं आ रहे तो अभी टेंशन ही नहीं है। चलो मैं निकलता हूँ। मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट जेठा, और हाँ एक बार फिर से सॉरी। सॉरी? हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मीटिंग के लिए नहीं आ पा रहा। पर अभी क्या कर सकते हैं, संजोग ही ऐसे बन गए कि आप चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर पा रहे। चलो कोई नहीं, आप अभी अंजलि भाभी के साथ पूरा दिन रह के उनको खुश करना और देखना उनको किसी भी बात की कमी ना आए। श्योर, कोशिश करूं। कोशिश? पक्का पक्का। हाँ चलो चल। ओके। ऐसी विकट परिस्थिति है, अपने परम मित्र का साथ दे नहीं सकता और अपनी पत्नी का साथ छोड़ नहीं सकता। हे भगवान कृपा करना, आज मेरे परम मित्र जेठालाल की मीटिंग सफल। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ चिंटू की मम्मी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, चिंटू एग्जाम में अच्छा ही स्कोर करेगा। उसको एग्जाम का डर लगता है लेकिन वो होशियार बच्चा है। आप नकारात्मक मत सोचिए। हाँ मैंने ना आज हमारे सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखा है, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है, इसलिए आप अच्छा ही सोचना। अगर आप ही सोचेंगे ना कि मेरा चिंटू डरता है तो डर के मारे गलती करेगा, है ना, इसलिए आप सकारात्मक सोचना। हाँ हाँ ठीक है ठीक। ओके मोस्ट वेलकम। मतलब आपकी जुबा पे साक्षात सरस्वती देवी बैठती है। आपने अभी कितना अच्छा समझाया उनको कि इंसान को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए ऐसा। हाँ बिल्कुल, अभी जेठा को मैं यही समझा के आया हूँ। जेठा भाई को क्यों, उन्हें क्या हुआ? नहीं उसे कुछ हुआ नहीं है, उसके दुकान में आज कोई बड़ी मीटिंग है तो उसकी टेंशन में। जेठा भाई टेंशन में? जेठा भाई तो होशियार है। नहीं ऐसा तो होशियार है, लेकिन क्या है ना कभी कभी मीटिंग में अलग स्किल की जरूरत पड़ती है, समृद्ध भाषा की जरूरत पड़ती है। हो सकता है मीटिंग की भाषा अंग्रेजी हो, उसका टेंशन आ गया हो। हाँ बरोबर है। इसलिए मैंने उसको अपना सुविचार दिखाया और बोला कि भाई सकारात्मक सोचो, जैसा सोचोगे वैसा होगा। नकारात्मक विचार अंदर से खोखला कर देते हैं और सकारात्मक विचार ऊर्जा देते हैं। एकदम बरोबर है। वैसे आपको ऊर्जा के लिए चाय लाऊं या सकारात्मक विचार काफी है? माधवी सकारात्मक विचार से ना मन को ऊर्जा मिलती है, लेकिन तन की ऊर्जा के लिए चाय की जरूरत है। हाँ तो चाय लाओ। हाँ पता है, वैसे आज जेठा की मीटिंग है लेकिन टेंशन मुझे हो रहा है। क्यों? मतलब भगवान ना करे अगर उसकी मीटिंग असफल रही तो वो आके मुझे ही बोलेगा ना कि मैं तो सकारात्मक विचार करके गया था तो मीटिंग कैसे असफल रही। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि आज उसकी मीटिंग सफल रहे। हे देवा। चाहता आंटी ना? अरे हाँ। बस 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 बस। चलो आ गया परीक्षा खंड। हे भगवान, नट्टू काका और भग्गा आज की मीटिंग में एकदम छा जाए और डीलरशिप हमें ही मिले, ऐसा करना प्लीज। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। लेकिन ये क्या, ये कॉकटेल जूस और दूध कोल्ड ड्रिंक बन के क्यों खड़े हो? और ये क्या पहना है? सूट। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों शूट क्यों? आज मीटिंग है ना। तो मीटिंग करने कौन, गोविंदा जी आ रहे? अरे रंग बिरंगी सूट क्यों पहने? सेठ जी रंग बिरंगी सूट जानबूझ के पहने हैं। क्यों? आम तौर पे कॉर्पोरेट मीटिंग में सभी लोग ग्रे ब्लैक ब्लू कलर के सूट पहनते हैं, विच इज सो बोरिंग। यस, इसलिए हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग ट्राई करे। आप देखना हमारे रंग बिरंगी सूट देखकर वो लोग एकदम अम्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मतलब उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। एंड दैट विल सेट द राइट टोन ऑफ मीटिंग। क्या बोल रहे हैं? नट्टू काका कह रहे हैं मीटिंग की शुरुआत एकदम खुशनुमा होगी। आप सोचिए सेठ जी, मीटिंग की शुरुआत अगर मुस्कान से होगी तो उसका अंत कैसा होगा? कैसा होगा? ठहाकेदार। ऐसा।
देखते हैं। क्या हुआ, कुछ कहना है? थैंक यू। क्यों? आपने हम पर विश्वास रखकर इतनी बड़ी मीटिंग करने की हमें जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी दी है तो बराबर निभाना, कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो समझो डीलरशिप हमारे हाथ से गई। डोंट थिंक नेगेटिव सेठ जी, आपने हमें जिम्मेदारी दी है तो हम दिल से निभाएंगे। करेक्ट नेटू काका। सेठ जी, क्रिकेट में कभी कभी कम जाना माना प्लेयर भी सेंचुरी मार देता है, वैसे ही देखना आज हम सेंचुरी मार देंगे। डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी? एक तेरी और एक मेरी। यस नटू काका। टेल हिम अबाउट द प्रेजेंटेशन। हाँ सेठ जी, हमने गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मस्त प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिसमें हमने गडा इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि हमारी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना कब हुई, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी की डीलरशिप हमारे पास है, हमारी आफ्टर सेल्स सर्विस कितनी बढ़िया है, मार्केट में गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना बड़ा नाम है, कंपनी अगर हमें उनकी डीलरशिप देती है तो उन्हें कितना फायदा होगा। सीट जी आइए, आप भी एक बार प्रेजेंटेशन देख लीजिए। अरे इसमें दिखाना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया भाई, ये वाले के आना चाहिए था ना। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने क्या इसके साथ वो स्क्रीन मिररिंग किया है तो दिखेगा उसमें ही, मैं यहाँ पे प्ले करूंगा। अच्छा। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया भागा, बढ़िया, थैंक यू। सेठ जी, इस थैंक यू के हकदार एक और व्यक्ति भी है। ओ थैंक यू नटू काका, थैंक यू। नहीं नटू काका नहीं, नहीं मतलब आप हैं, लेकिन एक और व्यक्ति भी है। मगन? मगन नहीं, बावरी जी। बावरी? बावरी जी ने पूरी रात मेरे साथ बैठकर इस प्रेजेंटेशन को बनाने में मेरी बहुत मदद की। ओहो, ना ना ठीक है, तो बावरी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। आप खुद ही बोल देना ना। खुद ही बोल देना ना मतलब वो भी आ रही है मीटिंग में, तूने बावरी को भी बुलाया? नहीं 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 सेठ जी, आप जब उन्हें मिलेंगे तब आप उन्हें थैंक यू बोल देना, उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, नहीं ठीक है बोल दूंगा। और नाश्ते का कुछ प्रबंध किया है कि नहीं? हाँ हाँ सेठ जी, सारा प्रबंध हो गया है। हमस, पिता ब्रेड, फलाफल, नाचोस, टाकोस, बरितोस। ये सब कौन है? नाश्ता है, विदेशी नाश्ता। हाँ सेठ जी, इंग्लिश बोलने वाले सभी ऐसे ही नाश्ता करते हैं। ये सब तो मैंने पहली बार सुना, अमास ने, पिताजी का ब्रेड ने। नहीं नहीं सेठ जी, अमास नहीं, हमस। और पिताजी का ब्रेड नहीं, पिता ब्रेड। हाँ अच्छा, जो भी है चलो ठीक है। और इसके साथ कुछ चाय कॉफी का बंदोबस्त किया? किया है सेठ जी, मॉकटेल्स का बोल दिया है, जैसे ही ऑर्डर देंगे 2 मिनट में हाजिर हो जाएगा। चलो बढ़िया बढ़िया, थैंक यू बॉस। बॉस? हम उनके सामने आपको बॉस ही कहेंगे। यस बॉस। और सेठ जी देखना, हम उनके सामने ऐसी इंग्लिश बोलेंगे कि हमारी इंग्लिश सुन के वो एकदम दंग हो जाएंगे। कहेंगे आज तक ऐसी इंग्लिश हमने सुनी ही नहीं। अच्छा भागा, सेठ जी को डेमो दिखा। जी। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स, होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे, इफ नॉट वी विल मेक श्योर दैट यू हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल डे।
we really appreciate all the efforts you have taken to come all the way to Gada Electronics and meet us. We are really looking forward to have your dealership and expand our businesses. So shall we begin our meeting? So first of all, I would like to present our presentation, which is curated and designed exclusively for you. So, may I? Ji. Baba. Jabarjast, Baga. Jabarjast. Kya English bola hai tu? Thank you, Seth ji. Dekha? Suna. मतलब समझ में कुछ नहीं आया लेकिन जो भी सुना मजे आ गए एकदम करुणा प्रिय वाह वाह बागा वाह बढ़िया बढ़िया थैंक यू सेठ जी नट्टू काका अब आपकी बारी अरे नहीं नहीं नट्टू काका को डेमो देने की जरूरत नहीं है भाई वो तो पता ही है नट्टू काका तो जबरदस्त इंग्लिश बोलते हैं थैंक यू सेठ जी अच्छा अभी और एक बात क्या जैसा तैयार हुआ है आप मीटिंग में मौन ही रहेंगे ना मौन 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 लेकिन मैं क्या कहता हूँ मान लो चालू मीटिंग में मुझे आपको कुछ बताने का मन हुआ तो नहीं नहीं चालू मीटिंग में कुछ नहीं बता पाएंगे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा आप अरे बताने का मन हुआ मतलब कोई सुझाव देने का मन हुआ मान लो चालू मीटिंग में अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई बात का दौर गलत दिशा में जा रहा है ऐसा मुझे लगा नटू काका ये तो हमने सोचा ही नहीं डोंट पैनिक बागा मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है सेठ जी अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी बातचीत का दौर गलत दिशा में जा रहा है तो आप खास देना ऐसे अभी खांसने का क्या डेमो दे रहा है भाई तू खांसना तो पता है मुझे कि ऐसे खांसते अरे नहीं सेठ जी मैं डेमो नहीं दे रहा हूँ मुझे सच में खांसी आ गई ओ, ओ. और सेठ जी अगर आपको कोई सुझाव देने का मन हो तो मैसेज कर देना बैटरी फुल है दादा हेलो हाँ काम जी बोल 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 कैसे याद किया अच्छा तू आज कट से जा रहा है अभी दोपहर की ट्रेन है वाह 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 अरे राम जी अच्छा हुआ तूने फोन किया वो वहाँ अहिंसा धाम गौशाला है ना वहाँ एक चेक देना है तो तू लेता जाएगा क्या है ना हाथों हाथ पहुँच जाएगा हाँ नहीं चेक अभी रेडी तो नहीं है लेकिन एक काम करते ना हम दोनों जेठिया की दुकान चलते हैं तो वहाँ जेठिया तुझे चेक बना के दे देगा तू वहीं से स्टेशन चला जाना हाँ हाँ तो तू एक काम कर तू यहाँ पहले गोकुल धाम आ जा हाँ फिर यहीं से साथ में चलते हैं जेठिया की दुकान हाँ रखता हूँ रूबी अगर तुम्हें टीवी लेना है ना तो तुम मेरे नेबर जेठालाल जी है उनके वहाँ से लो उनका एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैं उनसे बात कर लूंगी तो वो तुम्हें डिस्काउंट भी दे देंगे हाँ 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 ओके ठीक है चल बाय सी बबीता तुम अभी तक फोन पर बात कर रहे हो अरे जल्दी करो हमको चित्तबा के घर जाना है वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं अय्यर मैं रेडी ही हूँ अच्छा सुनो जाते वक्त ना हम जेठा जी से मिलते हुए जाएंगे क्यों जय दलाल से क्यों मिलना है अरे वो मेरी फ्रेंड है ना रूबी उसको टीवी लेना है तो मुझे जेठा जी से बात करनी है और हाँ हमारा माइक्रोवेव भी बिगड़ गया है तो उसका भी सर्विस करना है बबीता कमाल करता है तुम भी जय दलाल से लिया हुआ माइक्रोवेव जब खराब हो गया है फिर भी तुमको रूबी को उसी से टीवी दिलवाना है अय्यर माइक्रोवेव को लेके टाइम हो गया उसका वारंटी वगैरह कुछ भी नहीं है वो तो जेठा जी इसके लिए वो सर्विस दे देते आई सी ओके 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 चले हाँ चलो 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 ठीक है तो अभी हो गई सब तैयारी बस एक आखिरी काम क्या भागा जी नट्टू काका क्या है क्या यश क्या एयर फ्रेशनर है? नट्टू काका कह रहे हैं कि मीटिंग वाले एरिया को एयर फ्रेशनर छिड़क के महका दे हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया हाँ कर 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 जी कर, जी कर, कर, जी जी हाँ थोड़ा पीछे हो जाए वो छिड़केगा तो
दोस्तों जिंदगी में तो धूप छांव लगी रहती है और हमारी जिंदगी खुशनसीबी और बदनसीबी के बीच में इचकोले खाती रहती है। जेठालाल का भी कुछ ऐसा ही, पर सिर्फ इतना ही है कि जेठालाल की जिंदगी में छांव कब धूप में बदल जाए और खुशनसीबी कब बदनसीबी में बदल जाए कह नहीं सकते। खैर, जेठालाल ने मीटिंग से बचने के लिए मौन व्रत धारण कर लिया, लेकिन इस मौन व्रत के टूटने के सारे आसार दिखाई दे रहे हैं। मीटिंग के बीच में अगर अय्यर, बबीता जी या फिर चंपक चाचा आ गए तो, और चंपक चाचा को इस मौन व्रत के बारे में कुछ पता भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। क्या लगता है आपको, क्या ये मीटिंग सफल हो पाएगी? जेठालाल का मौन व्रत टूट गया तो, उसका झूठ पकड़ा गया तो, और इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद क्या उसे डीलरशिप मिलेगी? भाई जेठालाल का मौन व्रत टूटे या ना टूटे, लेकिन आपके घर पर हंसी और खुशी के धागे जरूर छूटेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.